क्रेडिट कार्ड में जब छूट जाता है तो फिर दोबारा ऑनलाइन आने की पूरी नहीं चले जाते। आगे ऑनलाइन हो गया कॉलेजी तो दो तीन बार करा चुका हूँ, उसका भी रिवर्स रिवीजन चाहिए। नहीं यूपी का है सर, लेकिन उसका पूरी पूरी क्लास है तो के बारे में नहीं करा दीजिए। ओके, सो गुड इवनिंग बच्चों, और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला पोर्शन सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, शुरू को चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं आपसे बता दूं कि आपने अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर इस चैप्टर में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ाए थे कि कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं और कैसे उनके आगे के प्रोसेस पढ़े। फर्स्ट चैप्टर की अगर छह बातें भी आपको याद हैं तो मेरा काम इस चैप्टर में चल जाएगा। पहली बात थी कि हम लोग आइसोलेशन कर देते फॉरेन डीएनए का, जिसमें डिजायर्ड जीन थी, आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, इसलिए पुराने चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विद डिजायर्ड जीन, हमारे पास डिजायर्ड जीन होनी चाहिए और वो किसी फॉरेन डीएनए पे मिलेगी। फिर दूसरा पोर्शन था कटिंग ऑफ दैट जीन, कटिंग कर देते उस जीन की, और कटिंग करने के लिए हम लोग आरई यूज करते थे, दैट इज रेस्ट्रिक्शन इंटरफेस। कट करने के बाद हम लोग उस जीन को ट्रांसफर करते थे वेक्टर में, ट्रांसफर इट टू द वेक्टर, वेक्टर पे जाते थे और वेक्टर को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते थे लाइगेशन के बाद, लाइगेशन ऑफ दैट जीन। लाइगेशन करने के बाद वो जीन, वो हमारा वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता था। ये चार स्टेप थे। पांचवा स्टेप ये था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हम लोग होस्ट में भेजते थे और इसको बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप लोग को याद होगा, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और एक बार होस्ट में चीजें पहुंच गई तो फिर हम लोग उसका बाइनरी फ्यूजन करते थे और हम लोग कराते थे क्लोनिंग। क्लोनिंग कराने के बाद हमारी जो जीन थी वो रेप्लिकेट होते जाती थी और बार बार क्लोन। तो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करना आ गया तो ये छह स्टेप आने चाहिए। दूसरा बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होने चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर में वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम लोग लगा रहे थे टेक्नोलॉजी। तो पिछला चैप्टर हमारी उन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने में निकल गया जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम में लगा रहे थे और जिससे प्रोडक्ट बन रहा था। अब इस चैप्टर में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, यहां से शुरुआत है कि इट इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन एंजाइम टू फॉर्म प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर की डेफिनेशन हुआ करती थी। और इस चैप्टर में यह है कि सर वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो प्रोडक्ट जो जनरली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से बनवा रहे हैं वो दो तरीके के प्रोडक्ट हैं। एक है जिनका नाम है बायोफार्मास्यूटिकल्स, याद रखिएगा बायोफार्मास्यूटिकल का मतलब है ये दवाइयां हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से बनी है। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाइयां, तो बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाली दीज आर नोन एज बायोफार्मास्यूटिकल, ये लिखा हुआ है। एंड देयर आर सम अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसके अलावा दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी है। तो बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं और इन ग्रुप को बनाने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं। तो ये तीसरी लाइन है कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, एक बायोफार्मास्यूटिकल है और एक अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल और बायो इन सारे प्रोडक्ट का क्या यूज होगा, द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एप्लीकेशन। उसी प्रोडक्ट का यूज ही कहलाता है एप्लीकेशन, जिसमें कहां कहां एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, हम इससे थेरेपी कर सकते हैं, यानी इन प्रोडक्ट से लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन है, आजकल थेरेपी के काम आ रही, तो थेरेप्यूटिक्स हो सकते हैं ये। इसके अलावा डायग्नोस्टिक हो सकते हैं, जैसे एलाइजा किट्स है, हम लोग आजकल एलाइजा से या फिर आरटीपीसीआर से, अभी तो कोरोना गया है तो अभी हम लोग डायग्नोसिस बना रहे थे कि ये डिजीज कैसी है, कोरोना है कि नहीं है। तो थेरेप्यूटिक हो सकता है, डायग्नोस्टिक होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करके हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो देखो डायग्नोस्टिक, इसके अलावा थेरापेटिक, डायग्नोस्टिक, इसके अलावा एग्रीकल्चर।
इसके अलावा हम प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं। आजकल का जो जमाना है वो दाल रोटी का नहीं बचा, पिज्जा पर सॉरी बर्गर पिज्जा का बचा है, और वो बर्गर पिज्जा में जो फूड यूज हो रहा है दैट इज नोन एज प्रोसेस्ड फूड। तो आजकल हम लोग को प्रोसेस्ड फूड बहुत जरूरत पड़ रही है, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, बायो रिमेडिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, इवन एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, इनमें से नाम याद रखेंगे थेरेप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, एग्रीकल्चर, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत सारी जगह पर हम लोग थेरेप्यूटिक कर सकते हैं। बोलते हैं इन सारी चीजों के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, और प्रोडक्ट बनेगा तभी एप्लीकेशन होगा। तो बोलते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए नई नई रिसर्चेस होती रहनी चाहिए। सो देयर आर थ्री रीजन वेयर वी कैन रिसर्च इन द बायोटेक्नोलॉजी, 1, 2, 3, इन तीनों रीजन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तीन ऐसे एरिया हैं, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया वेयर वी कैन यूज द बायोटेक्नोलॉजी। इसको याद रखेंगे COD के नाम से, याद रखेंगे पहला पॉइंट है सी, दूसरा पॉइंट है ओ, तीसरा पॉइंट है डी। अगर आपको कभी दिक्कत आ जाए, कभी कोई पूछे व्हाट इज सी, तो बोलिएगा इट इज अ सी फॉर कैटलिस्ट। हमें कैटलिस्ट चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट बना सकें, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट। अच्छा, बेस्ट कैटलिस्ट किस फॉर्म में मिलेंगे? सब कैटलिस्ट विल फॉर्म विल बी देयर इन फॉर्म ऑफ एंजाइम। किसकी फॉर्म में मिलेंगे? एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं सर? एंजाइम ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और ऑर्गेनिज्म हमें नॉर्मल नहीं चाहिए बल्कि GMO चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहिए। और GMO बनाने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का चाहिए, यानी कि पहली रिसर्च एरिया जो है वो इनडायरेक्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही है। याद रखना हमारे दो प्रिंसिपल थे, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दैट इज आल्सो नोन एज केमिकल इंजीनियरिंग। तो हमारा पहला रिसर्च एरिया है कि हमें एक बेस्ट कैटलिस्ट मिले, और वो कैटलिस्ट किस फॉर्म में मिले? इंप्रूव ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मिले, या फिर प्योर एंजाइम के फॉर्म में मिले। इंप्रूव ऑर्गेनिज्म कैसे होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। सो फर्स्ट रिसर्च एरिया इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको सी से डिनोट किया है। दूसरा है ओ, दैट इज ऑप्टिमम कंडीशन। हमें वो जो कैटलिस्ट मिला है उसको ऑप्टिमम एनवायरमेंट देखना है, ऑप्टिमम एम्बियंस देना है। और याद करो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद ऑप्टिमम एम्बियंस देने वाले इंजीनियरिंग का नाम क्या था? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो एक्चुअली दूसरा जो रिसर्च एरिया है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का है। तो देखिए दो बड़े बड़े एरिया जिनमें हम लोग रिसर्चेस कर सकते हैं, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पर बुक कैसे लिखती है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट, ताकि कैटलिस्ट एक्ट कर सके। कैटलिस्ट एक्ट कर सके मतलब GMO एक्ट कर सके, और GMO तभी एक्ट करेगा जब उसे बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से अच्छा माहौल मिलेगा। और तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये आखिरी चीज थी जो मैंने बनाया था कि प्रोडक्ट बनने के बाद इम्प्योर प्रोडक्ट बन सकता है, उसे प्यूरिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, और फिर उसकी बहुत सारे प्रोसेस से गुजारते थे, तो दैट इज नॉट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो तीन रिसर्च एरिया है COD। पहला है कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्योर एंजाइम, ओ इज ऑप्टिमम कंडीशन, डी इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, दैट इज नोन एज COD। ये तीन रिसर्च एरिया है जो हमेशा करते रहना चाहिए। अच्छा, इतना कर लेने के बाद उन्होंने वापस पीछे मुड़ाया, और पीछे मुड़ाया कि बताइए क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। सर थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी लगती है। तो उन सब जगह पर की बजाय वो एक जगह पर पहला क्वेश्चन उठाते हैं, और वो उठाते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ये रहा टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में कैसे किया गया और क्या किया गया। तो याद रखना बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में करके हम लोगों ने कैसे बायोटेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। सुनना, बोलते हैं इस समय पर इंडिया में तीन तरीके की खेती हो रही है। मैं तीनों को एक ही साथ एक ही पॉइंट पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय पर इंडिया में तीन तरीके की खेती हो रही है। एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं। केमिकल कौन कौन से यूज कर रहे हैं? सर हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजर केमिकल के रूप में याद कर रहे हैं। सर हम लोग पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सर हम इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप जाओ गांव में तो आपको मालूम है आजकल ज्यादातर खेती एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से ही चल रही है। ओके,
दूसरा इस एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से सबसे बड़ी समस्या है कि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और पॉल्यूशन होने की वजह से लोगों को तरह तरीके की बीमारियां हो रही, कैंसर हो रहे। तो लोग कहते हैं कि ठीक है यार हमें खाना खाना है, खाना चाहिए हमें, लेकिन यार खाना ऐसा नहीं चाहिए कि जिसमें बहुत सारे केमिकल हो। तो लोगों ने, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने नई खेती चालू की है, इट इज नोन एज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, या फिर इसी को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, जनरली ये पॉल्यूशन फ्री है। याद रखना इन दोनों में समस्या क्या है। समस्या ये है कि सर एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का कारण बेटा केवल एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है। नॉर्मन ईबरलॉट ने हमें हाइब्रिड वैरायटी यूज करना सिखाया और साथ में एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सिखाए, इस वजह से हमारे देश का उत्पादन 3 गुना हो गया, ट्रिपलिंग हो गई। ट्रिपलिंग होने की वजह से मतलब प्रोडक्शन में ट्रिपल हो गया। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से हमें फायदे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा पैदावार बढ़ गई, तो आज भी हम इसे छोड़ नहीं पा रहे। अच्छा अगर हम एग्रोकेमिकल बेस छोड़ दें, फर्टिलाइजर यूज करना छोड़ दें, पेस्टिसाइड यूज करना छोड़ दें, इंसेक्टिसाइड यूज करना छोड़ दें, तो क्या होगा? तो सर ये होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम कोई केमिकल यूज ना करें। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की समस्या ये है कि प्रोडक्टिविटी फिर से कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो याद रखना अगर ये यूज करते हैं तो बीमारी से मरते हैं, अगर ये यूज करते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा और सबको खाना नहीं मिल पाएगा। तो लोग बोलते हैं कि ये तो चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। कोई एक ऐसा तरीका बनाओ सर कि सर प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और केमिकल भी यूज ना करने पड़े। तो किसी ने कहा कि वो तरीका है जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। बोले कैसे? बोले ऐसे कि अगर एक पौधा हम ऐसा क्रिएट कर दे जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी उसमें कीड़े लगी नहीं सकते, तो बताओ जब पेस्ट रेजिस्टेंस हमने पौधा अगर यहां पर लगा दिया तो बताओ अब हमें पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? नहीं डालना पड़ेगा। और पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा तो इसकी पैदावार घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो तीसरी तरीके की एग्रीकल्चर, ये फ्यूचर की एग्रीकल्चर है, यानी आने वाले समय पर इस तरीके का एग्रीकल्चर का प्रभाव पड़ जाएगा। तो कोई पूछे क्या हरित क्रांति तीनों की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन तीनों की वजह से आया? बोलो नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन केवल एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से आया। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें हम पॉल्यूशन फ्री खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो है जेनेटिकल इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर है, जो हम लोग फ्यूचर में हमारी क्रॉप ऐसी होगी, ऑल्दो कुछ लोगों ने अभी भी चालू कर दिए। इनमें से हम ऐसे पौधे बन रहे जिन्हें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, जिन्हें इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, जिन्हें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। वो इतने मॉडिफाइड है कि वो खुद इंसेक्ट से लड़ ले रहे हैं, वो खुद पेस्ट से लड़ ले रहे हैं, वो कम मेटा मिनरल में भी काम चल रहा है। इसका मतलब है अगर जमीन में मिनरल कम भी हो तब भी वो अपना काम चला रहे हैं। ऐसे पौधे नॉर्मल पौधे हैं कि जीएमओ है, जीएमओ, और ये हाइब्रिडाइजेशन से पैदा किए गए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्लांट ब्रीडिंग और जीएमओ इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, तो तीसरी तरीके की एग्रीकल्चर आने वाले समय की एग्रीकल्चर है। और वो इसी तरीके से बोल रहे तीसरी तरीके, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया और क्या प्रॉब्लम हुई, आजकल हम लोग किस तरीके की एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बोले आजकल हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जीएमपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू स्टे हियर। ओके, सो
सेशन तो वहाँ से नहीं जाएगा। नहीं सर चलना, वो सब चलना। इसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पा। बोला सर नहीं मंगाया, जबकि नया आ गया वो 1 किलो वाट का। दोपहर में चल गया था जो होता क्या। थोड़ा यार तुम पीछे हो, ये करें बता। नहीं सर वहाँ कोई फिल्टर 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 ये नहीं सर। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को यूज करने के कुछ फायदे लिखे हैं आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज। ये पॉइंट लिखे गए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट है। और इन 5 पॉइंट को याद करने का तरीका आप लोग याद कर लें, टर्पेन TRPEN, यही तरीका याद कर लें। कि अगर कोई पूछे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करके एग्रीकल्चर करोगे तो क्या क्या फायदे होंगे, तो फॉर्मूला यूज करिए टर्पेन। टी इज टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ऐसे प्लांट जो एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट है। अब इसका क्या मायने, मायने ये है कि अगर कोल्ड आ जाए, सर्दियां पड़ने लगे तो कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा खराब नहीं होगा। सूखा आ जाए तो बेटा कुछ पौधे खराब हो जाते, पैदावार गिर जाएगी, लेकिन जीएमओ ऐसे पौधे हैं जो सूखे पर भी चलते रहेंगे, ग्रो कर जाएंगे। अगर परती जमीनें हैं वहां पर बेटा नॉर्मल पौधे ग्रो नहीं करते, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे ग्रो कर सकते हैं। और गर्म जगहों पर, हीट वाली जगहों पर, लू चलने पर भी बेटा ये पौधे ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस को झेल सकते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सकते हैं। आर इज रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। इन पौधों को केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत कम है। रिड्यूस मतलब कम, रिलायंस मतलब जरूरत। इन पौधों को रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि ये पौधे खुद ही बेटा इंसेक्ट से और पेस्ट से लड़ाई कर लेते हैं। अगर इंसेक्ट और पेस्ट से खुद ही लड़ाई कर लेते हैं तो इनको इंसेक्ट और पेस्ट से लड़ने के लिए केमिकल की जरूरत नहीं है। तीसरे पी, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी जब आपकी खेती पूरी तरीके से बन चुकी है और आप खेती की कटाई कर रहे हैं, तो कटाई करने के बाद बेटा जब पौधे काटे जा रहे होते हैं उस समय बहुत सारा लॉस होता है, क्योंकि बालियां क्या होती है, पौधों की बहुत कमजोर होती है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे ऐसे अच्छे होते हैं कि उनकी बालियां बहुत तेजी से जुड़ी रहती हैं, तो कटाई करने में वो बालियां गिरती नहीं है, इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है। चौथा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, ये ध्यान से समझिएगा। चौथा पॉइंट बहुत खतरनाक पॉइंट है। वो बोलते हैं मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी वाले पौधे होंगे, यानी ये पौधे कम मिनरल में भी काम कर लेंगे। मान लीजिए आपकी सॉइल में मिनरल कम है तो उसे वो कम मिनरल से ही अपना काम चला लेंगे, यानी मिनरल को अच्छे एफिशिएंट तरीके से यूज करेंगे। तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। और चौथा, इनमें न्यूट्रिएंट बेटा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। एंड फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू, यहां पर मैं फिर से एक बार लूं, हम लोगों ने यू नो ब्रीडिंग करके न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई थी, दैट वाज नोन एज बायोफॉर्टिफिकेशन। ये बायोटेक्नोलॉजी की बेटा है, बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया गोल्डन राइस, और जिसमें विटामिन ए की अधिकता होती है, और ये अधिकता हम लोगों ने की है बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो कभी आप भूल जाए तो इसको याद रखिएगा, टर्पेन टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना, इंक्रीज एफिशिएंसी फॉर मिनरल यूजेस, और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी करके हम लोग कौन से पौधे उठाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्लांट। याद रखना, ऐसे ही प्लांट में एक ऐसा प्लांट है, ध्यान सुनना,
जो इस वाले पॉइंट के लिए इंडिकेट करता है, बताओ इस पॉइंट में क्या लिखा है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। इसका मतलब इस पौधे को केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये पौधा पेस्ट से खुद लड़ जाता है, इंसेक्ट से खुद लड़ जाता है। और इसी क्रम में उन्होंने आपको बीटी कॉटन के बारे में बताया, सिर्फ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का बात उन्होंने एक बैक्टीरिया के नाम से चालू की है, इसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है, बीटी फॉर शॉर्ट इसे बोलते हैं। अच्छा, अब मैं इस बैसिलस थुरिंजिनेसिस की एक रे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का अपना एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ये रहा बैक्टीरिया का डीएनए, दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। अभी ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से ध्यान सुनना है। इस बैक्टीरिया डीएनए के पास एक जीन है, दैट जीन इज नोन एज सीआरवाई। ध्यान सुनिएगा, यहां पर कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल सी है। अगर किसी ने कैपिटल सी लिखा है तो गड़बड़ है। इस जीन का नाम है क्राई जीन। कैपिटल सी है कि स्मॉल सी है? स्मॉल सी। अब ये क्राई जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का पार्ट है, और सेंट्रल डॉग्मा के अनुसार दिस डीएनए विल फॉर्म द एमआरएनए और एमआरएनए विल फॉर्म द प्रोटीन। याद रखना, इस डीएनए से एक एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से एक प्रोटीन बनती है। अब वो जो प्रोटीन है, दैट इज अ क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। तो अब आपको जान करके हैरानी होगी कि इस जीन का नाम क्राई जीन क्यों है, क्योंकि वो क्रिस्टल प्रोटीन बनाती, क्रिस्टल में सीआरवाई है, इसलिए इस प्रोटीन को हम लोग क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं। और दोनों के स्पेलिंग में अंतर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैपिटल सीआरवाई है और यहां पर स्मॉल सीआरवाई है। अगर कभी स्मॉल सीआरवाई लिखा हो तो ये जीन का नाम होगा क्राई जीन, और अगर कैपिटल सीआरवाई लिखा होगा तो ये प्रोडक्ट का नाम होगा, दैट इज नोन एज क्रिस्टल प्रोटीन। याद रखना, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन बनी है, ये एक प्रकार का टॉक्सिन है, याद रखिएगा ये टॉक्सिन है, और इसी टॉक्सिन को हम लोग बीटी टॉक्सिन बोलते हैं। इस एक और बात को याद रखना, ये टॉक्सिन एक प्रोटॉक्सिन है, और प्रोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होते हैं जो एक्टिव होते हैं कि इनएक्टिव होते हैं। तो एक क्रिस्टल प्रोटीन बन रही है, दैट्स व्हाई जीन इज क्राई जीन, एंड प्रोटीन इज आल्सो नोन एज क्राई, बोथ आर क्राई, बट वन इज स्मॉल सीआरवाई, अनदर वन इज नोन एज कैपिटल सीआरवाई। अब हुआ क्या, ये जो कैपिटल सीआरवाई प्रोटीन है, ये एक टॉक्सिन की तरह है, और इस टॉक्सिन को अगर कोई इंसेक्ट खा ले, ये रहा इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट खा ले इस टॉक्सिन को कोई इंसेक्ट खा ले, तो इंसेक्ट की बेटा गट में जा करके अल्कलाइन मीडियम में ये जो बीटी टॉक्सिन का प्रोटॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन मतलब एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव टॉक्सिन है, इट विल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। अगर एक्टिव टॉक्सिन बन गया तो इंसेक्ट की बेटा गट में हो जाएंगे परफोरेशन हो जाएंगे, और बेटा इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, बैक्टीरिया के पास एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, सेंट्रल डॉग्मा के अनुसार डीएनए एमआरएनए प्रोटीन बनती, उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन बनती कहां है, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में ये क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारती, क्योंकि बैक्टीरिया में बनने वाली ये क्राई प्रोटीन एक्टिव है, इनएक्टिव, पर इस बैक्टीरिया को अगर कोई कौन खा ले, इंसेक्ट, या बैक्टीरिया की इस प्रोटीन को कौन खा ले, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट मर जाएगा, क्योंकि ये जो बेटा क्राई प्रोटीन है यानी टॉक्सिन है, वो इंसेक्ट के पेट में जाकर एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिव होकर के उसके पेट को रप्चर कर देगी, फाड़ देगी और मर जाएगी। अच्छा, एक्टिवेट होने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, और बोलते हैं ये जीन, ये जो तुम्हारी क्रिस्टल प्रोटीन है और ये जो जीन है, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये ह्यूमन पे नहीं अटैक करेगी, ये दूसरे मेंबर पे नहीं अटैक करेगी, निमेटोडा पे अटैक नहीं करेगी, ये केवल इंसेक्ट में अटैक करेगी, और इंसेक्ट में भी सब इंसेक्ट पे नहीं अटैक करेगी, बहुत स्पेशल इंसेक्ट में अटैक करेगी। और इन स्पेशल इंसेक्ट के कुछ नाम दिए गए, देखो सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरन में उन्होंने नाम दिया टोबैको बडवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म का। इसके अलावा कॉलियोप्टेरा एक ऑर्डर है, लेपिडोप्टेरा भी एक ऑर्डर है, तो उसी हिसाब से इसमें से बीटल आते हैं, एंड डिप्टेरन्स जिसका नाम है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो याद रखना, ये टॉक्सिन, कई बार लोग बोलते हैं मुझसे, सर अगर ये हम खा लें तो,
अरे हम खा लें तो हम इंसेक्ट नहीं है, ये टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक है, याद रखना ये जीन इंसेक्ट स्पेसिफिक है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा, हमारे पास स्टमक में पहले एसिडिक मीडियम आता है, स्टमक के बाद अल्कलाइन मीडियम आता है, तो एसिडिक मीडियम में ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी और हमारा स्टमक प्रोटीन के डाइजेशन के काम करता है, तो इसे डाइजेस्ट कर लेगा तो हमें नुकसान नहीं होता जनरली। तो ये रहा बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का बैक्टीरिया और उसकी जीन। जीन और प्रोटीन के नाम कराई है, ये स्मॉल सी आर वाई है, वो कैपिटल सी आर वाई है। खैर, जब इतना सब आप लोगों ने सीख लिया तो आप आगे बढ़ गए, कॉलिक बीटी कॉटन में आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद आप लोगों ने समझा कि सर बीटी कॉटन कैसे बनाया गया। सोचिए बीटी कॉटन कैसे बनाया गया होगा, मैं आपको एक आइडिया देता हूं और 6 पॉइंट याद करने के लिए एक बार निमंत्रण देता हूं। आप याद करो, मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉटन का पौधा है, ये रहा कॉटन का पौधा, और इस कॉटन के पौधे की बॉल में जहां पर बेटा कॉटन निकलती है उसके उसको बोलते हैं बॉल, इस बॉल में बेटा एक वॉर्म घुस जाता है, एक कीड़ा घुस जाता है, इस कीड़े ने इस बॉल में घुस करके बेटा इस पूरी रुई को खराब कर देना है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉटन बॉल वॉर्म, कॉटन बॉल वॉर्म। अब मेरा मन ये कर रहा है कि कॉटन बॉल वॉर्म बिना इंसेक्टिसाइड डाले, बिना केमिकल डाले मर जाए, ये बड़ा अजीब है, ये बिना केमिकल डाले कैसे मर सकता, मर ही नहीं सकता, ये तो कॉटन को ही खाने आया है। तो हमने कहा कि हमारे कॉटन के पौधे में ऐसी क्षमता आ जाए, कॉटन के प्लांट में ऐसी क्षमता आ जाए कि प्लांट ही इंसेक्ट को मार दे, तो बोलो सर ये तो और भी इम्पॉसिबल बात हो गई, प्लांट कैसे इंसेक्ट को मार सकता है। तो मैंने कहा प्लांट के पास कास क्रिस्टल प्रोटीन आ जाए, क्रिस्टल प्रोटीन आ जाए। तो कुछ लोगों ने हमसे बोला सर ये तो और इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि क्रिस्टल प्रोटीन प्लांट के पास आ ही नहीं सकती, बिकॉज क्रिस्टल प्रोटीन तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम के बैक्टीरिया में रहती है। अब इतनी इम्पॉसिबल बातों को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, बोले सर बैसिलस थुरिंजिनेसिस नाम का बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास अपना जीन है और उससे प्रोटीन बन रही, वो प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन है, और वो क्रिस्टल प्रोटीन यहां कैसे आ सकती है, सर आ ही नहीं सकती। हमने कहा एक तरीके से आ सकती है, अगर तुम्हें 6 स्टेप मालूम हो। बोले कैसे 6 स्टेप मालूम हो, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। अभी आप लोग मुझे बताओ कि मैं किस डीएनए को आइसोलेट कर रहा हूं, प्लांट के डीएनए को कि बैसिलस थुरिंजिनेसिस। अब बैसिलस थुरिंजिनेसिस का डीएनए हमने आइसोलेट किया और उसमें से सारी जीन निकाली कि क्राई जीन निकाली, स्मॉल सीआरवाई जीन निकाली, स्मॉल सीआरवाई जीन, क्राई जीन निकाली, और क्राई जीन को हम लोगों ने कट किया, ये लिया कट किया। अब क्राई जीन को कट करने के बाद हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ये रहा डीएनए, उसके ऊपर हमारी क्राइजीन पहुंचने वाली है। कैसे पहुंचेगी वो आप लोग देखते जाना कैसे पहुंचेगी, तो क्राइजीन पहुंचने वाली, ये रही क्राइजीन। क्राइजीन पहुंचने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब याद रखना इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें प्लांट होस्ट में डालना है, ये रहा प्लांट होस्ट, और प्लांट होस्ट में डालने के लिए इनकॉम्पिटेंट होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कई तरीके मैंने पढ़ाए थे, उनमें से एक जीन गन थी, भूल गए होंगे। दूसरा ये है कि ये प्लाज्मिड अगर किसका प्लाज्मिड हो, टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए हटा दो तो ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर घुस जाएगा, और बैक्टीरिया नॉर घुस जाएगा तो बताओ, सॉरी बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड बेटा प्लांट के अंदर घुसेगा और ये जीन ट्रांसफर कर देगा, और इस तरीके से प्लांट हमारा कैसा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इस क्राई जीन से क्या बनाने लगेगा, क्रिस्टल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल प्रोटीन एक्चुअली बैक्टीरिया की प्रोटीन है, प्लांट की प्रोटीन नहीं। बताओ प्लांट को मारेगी कि नहीं मारेगी, नहीं मारेगी, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम नहीं निकलेगा, लेकिन उसी प्लांट को खाने के लिए कौन आएगा, कॉटन बॉल वॉर्म, तो बताओ वो टॉक्सिन खा जाएगा, बचेगा कि मर जाएगा। इस तरीके से बीटी कॉटन नाम का बेटा एक प्लांट बनाया गया जिसमें ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को यूज किया गया, और इसी तरीके से और भी कुछ पौधे यूज किए गए हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनका बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिनेसिस से उनको इम्प्रूव किया गया, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड सोयाबीन, ये सारे पौधे बैसिलस थुरिंजिनेसिस के द्वारा मॉडिफाई कर दिए गए हैं। कैसे किए गए होंगे, 6 स्टेप से, पहला आइसोलेशन बैक्टीरिया का जीन,
उसको काटा गया होगा, ट्रांसफर किया गया होगा, लाइगेट किया गया होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया होगा, प्लांट में डाला गया होगा, प्लांट में डाला गया होगा टिश्यू कल्चर में, किसमें? टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट बनाए गए होंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन किया गया होगा और बहुत सारे टेस्ट ट्यूब नॉर्मल होंगे कि मॉडिफाइड। अब उनमें कीड़ा घुसेगा तो बचेगा कि मर जाएगा? अच्छा, इस तरीके से बैसिलस थुरिंजिनेसिस को यूज करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई। अच्छा, बोलते हैं कौन सी क्राइजीन किस काम आई होगी? देखिएगा स्पेलिंग स्मॉल CRY। सो बोलते हैं Cry1AC एंड Cry2AB, ये दोनों जीन कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करती हैं। इनमें से Cry1AB इट इज फॉर कॉर्न बोरर। अगर भुट्टे को मजबूत करना है तो आप भुट्टे को मॉडिफाई करना चाहते हो, बीटी कॉर्न बनाना चाहते हो, तो बीटी कॉर्न बनाने के लिए Cry1AC Cry2AB की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि किसकी चलेगी? Cry1AB। पर ये बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्लीज इन्हें लर्न करिएगा। Cry1AC और 2AB, 1AC और 2AB इट इज फॉर कॉटन बॉल वॉर्म। ये बीटी कॉटन में यूज किए गए होंगे, बीटी कॉटन में यूज किए गए होंगे। और याद रखना Cry1AC ये बीटी कॉर्न में यूज किया गया होगा, यानी भुट्टा अगर मॉडिफाई किया गया होगा तो Cry1AB से, और अगर बेटा कॉटन मॉडिफाई की गई होगी तो Cry1AC। और इससे ज्यादा पढ़ना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और बड़े ग्रुप में, यानी BSc MSc करनी पड़ेगी। मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसको यही छोड़िए और डॉक्टर बनिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से तुमने एक बीटी कॉटन और बीटी टोमेटो या बीटी कॉर्न को बनने की कहानी सुनी। हमने कहा था कि इस चैप्टर में उन 6 स्टेप को ही बेटा अप्लाई किया गया। पहला स्टेप आइसोलेशन, दूसरा कटिंग, तीसरा ट्रांसफर, चौथा लाइगेशन, पांचवा ट्रांसफर। अच्छा, इसके बाद सबसे मुश्किल टॉपिक आता है, जो एक्चुअली सबसे आसान भी है अगर मैं NCERT की तरह सोचूं तो। वैसे ये सबसे मुश्किल भी माना जाता है। इन्होंने एक और टॉपिक लिया, दैट इज नोन एज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इसके पहले वाला प्लांट भी पेस्ट रेजिस्टेंट ही था, इसके पहले वाला बीटी कॉटन भी पेस्ट रेजिस्टेंट ही था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट था वो इंसेक्ट भी एक पेस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन यहां पर जो हमारा पेस्ट है, इसका नाम है Melaidigyni incognisia। ये रहा Melaidigyni incognisia, और ये एक नीमेटोड है, राउंड वॉर्म है, जो कि टोबैको के पौधों पे रहता है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, समस्या कहाँ है। समस्या अगर आप समझ गए तो फिर समाधान मिल जाएगा, आसानी है मुझे मालूम है। ये रही आपकी, सॉरी, इट इज नोन एज टोबैको प्लांट। अब टोबैको प्लांट में अजीब समस्या ये है कि एक इंसेक्ट, एक नीमेटोडा रहता है, एक नीमेटोडा राउंड वॉर्म रहता है, राउंड वॉर्म रहता है, इसका नाम है Melaidigyni incognisia। अच्छा, Melaidigyni incognisia यहां पर रहने के बाद कर क्या रहा है? कर ये रहा है कि यहां पर रूट नॉट बना रहा है, नोड्यूल मत बोलना, नोड्यूल राइजोबियम बना रहा था, रूट नॉट बना रहा था, यानी जड़ों में गांठें पड़ती जा रही हैं, और इन गांठों पड़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा मिनरल का, और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से पत्तियां सूखी जा रही हैं, और पत्तियां सूखी जा रही हैं तो प्रोडक्शन कम हो रहा। अब आपको मैं बता दूं कि टोबैको में पत्तियां ही एक्चुअली प्रोडक्शन है, क्योंकि टोबैको की पत्तियां ही नकदी फसल पैदा करती हैं, आप उसे बेच सकते हो, नशे के काम आता है। तो आपका प्रोडक्शन क्यों गिरा? क्योंकि एक नीमेटोडा नाम का, एक निमेटोडा Melaidigyni incognisia नाम का निमेटोडा आपकी जड़ों में रहने लगा। किसकी जड़ों में रहने लगा? अब टोबैको प्लांट की जड़ों में रहने वाला इस Melaidigyni incognisia को कैसे मारा जाए? या तो केमिकल डाला जाए तो मरे, और हमें केमिकल डालना नहीं, हम चाहते हैं पौधा ही इस निमेटोडा को मार दे। तो किसी ने मुझे सुझाया, सर क्यों ना हम लोग इसे बीटी टॉक्सिन से मार दें, Bacillus thuringiensis टॉक्सिन से मार दें। हमने कहा ये पॉसिबल नहीं है बेटा, बिकॉज बीटी टॉक्सिन इज इंसेक्ट स्पेसिफिक, आर्थ्रोपोडा स्पेसिफिक, और ये क्या है? तो अब इसके लिए क्या करें? बोलते कहते हैं इसके लिए एक बड़ा सेलुलर डिफेंस हमें यूज करना पड़ेगा, ये याद लाइन याद रखना पड़ेगा। That cellular defense is known as RNA interference, जो कि एक complex phenomena है। और मैं ऐसे समय पर जब मैं revise करा रहा हूँ, मैं complex phenomena बता करके अपना ज्ञान आपके सामने नहीं डालूंगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ,
आप चाहे siRNA ले लो, snRNA ले लो, वो सब की चीजें अगर आपको देखनी है तो मेरे वीडियो में चले जाओ, आपको वहां पर पूरा मिल जाएगा। लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस एनसीईआरटी में जैसे दिया है, मैं वैसे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस कैसे करते हैं, फिर से सुनो। एक टोबैको पौधा है, टोबैको पौधे की रूट में एक बेटा राउंड वॉर्म रहने लगा है जिसका नाम है मेलाइडिगानी इनकग्निसिया। ये मेलाइडिगानी इनकग्निसिया रह करके यहाँ पर रूट नॉट बना रहा, रूट नॉट, और रूट नॉट में की वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मिनरल कम हो रहा है, वाटर का कम हो रहा है, इसकी वजह से पत्तियां मुरझा जाने, प्रोडक्शन कम हो जा रहा है। हम इसे बीटी से मार नहीं सकते, इंसेक्टिसाइड डालना नहीं चाहते, केमिकल डालना नहीं चाहते, और चाहते हैं पौधा ही इसको मार दे। तो हम चाहते हैं हमारा पौधा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाए, पर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो करके क्या करना चाहेगा, आरएनए इंटरफेरेंस। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आरएनए इंटरफेरेंस, सर हमको समझ में नहीं आया, आप हमें बताइए। मैं इस आरएनए इंटरफेरेंस को समझाने की कोशिश करूँ। आरएनए इंटरफेरेंस ये कहता है कि किसी भी कोशिका में चले जाओ आप, एक डीएनए है, ये रहा डीएनए। अब डीएनए का एक पोर्शन है जो गंदगी फैला रहा, गंदगी कर रहा, तो उस डीएनए से बनता है एमआरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन रहा। सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, पर इस एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, प्रोटीन, और प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम, और एंजाइम से होती है रिएक्शन, रिएक्शन से बनते हैं प्रोडक्ट। तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, वैसा रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट, एंड दीस एंजाइम आर नोन, सो दीस रिएक्शन आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुम ध्यान से बताना मुझे कि मैं बोलूं कि ये नेमेटोडा जिंदा क्यों है, तो तुम बोलोगे सर निमेटोडा इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके अंदर क्या चल रही है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म चल क्यों रही है, क्योंकि उसके पास क्या है, एंजाइम, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम। वो एंजाइम बन क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्यों बन रही है, क्योंकि क्या है, एमआरएनए। और एमआरएनए क्यों है, क्योंकि वो क्या लेकर के पैदा हुआ है, डीएनए। तो हर निमेटोडा इस दुनिया में डीएनए लेकर के पैदा हुआ है, ये तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन कहते हैं जैसे ही बेटा डीएनए से एमआरएनए बने, क्या बने, mRNA, DNA से क्या बने, mRNA। हम इस mRNA को इंटरफियर कर दें, यानी इस mRNA को ब्लॉक कर दें या फिर साइलेंट कर दें। अगर हम इस mRNA को साइलेंट कर दें तो आगे की रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। इसका मतलब DNA से mRNA बने, लेकिन mRNA से क्या ना बने, प्रोटीन, क्या ना बने, क्या ना हो, क्या ना हो, तो बताइए निमेटोडा बचेगा कि मर जाएगा, मर जाएगा। तो हम कुछ ऐसी टेक्निक करना चाहते हैं कि हमारा जो निमेटोडा है उसका सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए ब्लॉक हो जाए। और बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को ब्लॉक करने के लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, ध्यान समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। याद रखना डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, फिर सुन लो, ये रहा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिससे सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन रहा है। इस सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को ब्लॉक करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी से क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बोलो क्या बनाएंगे। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में दो स्टैंड है, एक स्टैंड होता है सेंस, क्या होता है भाई, सेंस, और दूसरा होता है एंटी सेंस। तो हर आरएनए में जब कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो उसका सेंस और एंटी सेंस दो आरएनए बनते हैं। तो सेंस और एंटी सेंस आरएनए कैसे बनते हैं उसकी एक बड़ी कहानी मैं पढ़ा दूंगा, पहले ये ध्यान सुनो। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस डीएनए से, सी दिस निमेटोडा के डीएनए से एमआरएनए बनने दूं, ये जो एमआरएनए होगा इट इज स्पेसिफिक एमआरएनए। बताइए अगर ये डीएनए निमेटोडा का है, ध्यान सुनिएगा, डीएनए अगर निमेटोडा का है तो उससे बनने वाला एमआरएनए भी किसका होगा, निमेटोडा का। अब इस निमेटोडा के एमआरएनए को ब्लॉक करने के लिए हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेकर के आ रहे हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से लेके आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी से जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आए वो करेगा क्या, याद रखना,
जो भी डीएनए एमआरएनए पैदा करता है वो हमेशा सेंस एमआरएनए पैदा करता है. कैसे बनाता है? सेंस. सो ऑलवेज डीएनए ऑलवेज मेक द सेंस आरएनए, सेंस आरएनए. अब याद रखना हमारे पास एक आरएनए ऐसा है जिसके पास क्या है? सेंस भी है और क्या है? एंटी सेंस. और ये सेंस और एंटी सेंस हमने बना के रखे हैं. सेंस और एंटी सेंस जो हमने बना के रखे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से बना के रखे हैं. किससे बना के रखे हैं? बायोटेक्नोलॉजी से. अब आप कहोगे सर बायोटेक्नोलॉजी से सेंस और एंटी सेंस कैसे बन गए? फिर वही छह स्टेप. पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ निमेटोड डीएनए. हमने निमेटोड डीएनए का आइसोलेशन किया. आइसोलेशन करने के बाद उसकी जीन कट की. क्या थी? जीन को कट किया. ये रहा कटिंग ऑफ जीन. ध्यान सुनना ये डीएनए ही है जिसकी जीन हमने कट कर ली. ये डीएनए था, डीएनए से ही बेटा हमने जीन कट की. अब जो जीन कट की है वो सिंगल स्ट्रैंडेड जीन है कि डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड. और इस डबल स्ट्रैंडेड के हर स्ट्रैंड से एक आरएनए बनाया. तो एक बनाया क्या? सेंस. और एक क्या बनाया? एंटी सेंस. यानी इसका मतलब है जो जीन बेटा निमेटोडा के पास है उस जीन को पहले से ही हम लोगों ने लैब कंडीशन में प्रयोग करके एक क्या बना रखा है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. फिर से सुन लो, जो जीन निमेटोडा में पाई जाती है उसी जीन को ऑलरेडी मैंने नॉर्मल जो निमेटोडा जो अभी इन्फेक्ट नहीं किया उस निमेटोडा का जीन पहले यूज करके मैंने डीएनए बना रखा. डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रखा. और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में मैंने केवल सेंस आरएनए बनाया कि दोनों? यानी सेंस एंड एंटी सेंस. और सेंस और एंटी सेंस दोनों वाला आरएनए हमारे पास ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी से पड़ा हुआ है. उस आरएनए को हमने निमेटोडा के अंदर भेजा. और निमेटोडा के अंदर जब भेजा तो निमेटोडा ने अपना कौन सा आरएनए बनाया? सेंस. और हमने जो भेजा उसके पास क्या है? सेंस और एंटी सेंस. तो हमारे वाले का एंटी सेंस इसके सेंस के साथ जुड़ जाएगा और इसके एमआरएनए को सिंगल कर देगा कि डबल स्ट्रैंडेड. अगर डबल स्ट्रैंडेड कर दिया तो प्रोटीन एंजाइम रिएक्शन. बताइए हमने क्या किया? हमने स्पेसिफिक एमआरएनए को किससे ब्लॉक कर दिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से. किसे? डबल स्ट्रैंडेड. अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में दो पार्ट थे, कौन था? सेंस और एक कौन था? एंटी सेंस. तो अगर एंटी सेंस यहां चला आया तब भी क्या बच गया? हमारी बायोटेक्नोलॉजी का सेंस बचा होगा. याद रखना इस सेंस को हम लोग कट कर लेते हैं और इसको कट करने के लिए हमारे पास देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स एंजाइम. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर डाल रखे होते हैं. याद रखना इसी पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग रिस्क बोलते हैं. आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. फिर से बोलना आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. और ये हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया होता है. फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूं ऐसा ना हो कि मुश्किल हो जाए. फिर से देखो निमेटोडा का डीएनए है. निमेटोडा के डीएनए से उसका स्पेसिफिक एमआरएनए बनेगा. उसके स्पेसिफिक एमआरएनए को ब्लॉक करने के लिए हमें क्या चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि हमने बना रखा है. किसकी मदद से और कैसे? उसी के जीन को कहां ले गए हैं? लैब में. और उससे क्या बनवाया है? सेंस. और क्या बनवाया है? एंटी सेंस. और सेंस और एंटी सेंस को दोनों को किस कॉम्प्लेक्स में रखा है? रिस्क आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. और वो कॉम्प्लेक्स हमने कहां भेजा है? निमेटोडा की बॉडी में. और निमेटोडा की बॉडी में रिस्क कॉम्प्लेक्स इस डबल स्ट्रैंड आरएनए के साथ गया. तो निमेटोडा अपने डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाने लगेगा और हम लोग उस डबल स्ट्रैंड आरएनए से एंटी सेंस यहां भेज करके इसके सेंस को ब्लॉक कर देंगे, इसके आरएनए को इंटरफेयर कर देंगे. एंड दैट इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस. तो आगे एमआरएनए क्या नहीं बनाएगा? प्रोटीन. क्या नहीं बनाएगा? एंजाइम. क्या नहीं होगी? रिएक्शन. क्या नहीं होगी? मेटाबॉलिज्म. किस में? निमेटोडा में. तो निमेटोडा बचेगा कि मर जाएगा? अच्छा मैं इसे पूरा डिटेल में भी पढ़ा सकता था, यानी मैं वो सारे कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊं, उसके लिए समय नहीं है क्योंकि आउट ऑफ द कोर्स है. आइए देखते हैं ये चीजें क्या एनसीईआरटी में लिखी है. अभी मैं देखता हूँ क्या लिखी है. क्या आइए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ. अगर आपको ये लाइनें समझ में आ जाए तो बता देना. Several nematode parasite, a wide variety of plant and animal including human being, a nematoda Meleidogyne incognita infect the root. ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताओ Meleidogyne incognita कहाँ पर अटैक करता है.
रूट ऑफ टोबैको प्लांट इन कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, टोबैको पौधे की यील्ड प्रोडक्टिविटी में बहुत कम आ गया. A novel strategy was adopted to prevent this infestation, यानी इस कीड़े को यानी इस निमेटोडा को मारने के लिए, was based on the process of RNA interference. ये RNA interference नाम के प्रोसेस पे डिपेंड करती है. Now what is RNAi? RNAi takes place in all eukaryotic organism. यहाँ पर prokaryotic भी लिख लीजिएगा. RNA interference eukaryotic और prokaryotic दोनों organism में लग सकता है. As a method of cellular defense. कोई कहेगा सेलुलर डिफेंस कैसे, क्योंकि हम लोग सेल में घुस रहे हैं. किसकी? नीमेटोडा की. क्योंकि नीमेटोडा के न्यूक्लियस के पास क्या होगा? डीएनए. डीएनए से क्या बना होगा? एमआरएनए. और हम लोग एमआरएनए को ब्लॉक करने जा रहे हैं. इसका मतलब हम सेल के बाहर हैं कि सेल के अंदर? सेल के अंदर. यानी हम लोग उसके एमआरएनए को ब्लॉक करने जा रहे हैं. तो ये सेलुलर मेथड है. This method involve, अब आई डेफिनेशन जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अगर ना आए तो समझ जाना. इस involve silencing of specific mRNA. तो पहली बात, ये specific mRNA किसका है? तो सुन लो, ये रहा निमेटोडा का DNA. फिर से बना रहा हूं, इसका मतलब कोई बात होगी. मैं जानता हूं तुम्हें समझ में नहीं आता. ये DNA, इस DNA का एक रहा होगा specific mRNA. तो इसका नाम मैं देता हूं specific mRNA. और इस स्पेसिफिक एमआरएनए को मुझे ब्लॉक करना है. इस स्पेसिफिक एमआरएनए को ब्लॉक करने जा रहे हैं. तो इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए. दिस डीएनए से दिस एमआरएनए बना. ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए, इसको ब्लॉक करने के लिए वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा, बताओ क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. क्या बेटा? तो ये लिखा हुआ है, दिस इज due to complementary double stranded molecule that bind to and prevent translation of mRNA. जो ये double stranded RNA इस specific RNA के साथ bind होगा और क्या नहीं बनने देगा? protein. तो ये protein कहाँ नहीं बनेगी? nematode. आगे सुनो. The source of this complementary RNA, यानी कि ये double stranded RNA हम लोग कहाँ से लाएं? इसका क्या सोर्स है? इसका सोर्स है बायोटेक्नोलॉजी. क्या सोर्स है इसका? और बायोटेक्नोलॉजी में इसको बनाने के लिए, इस double stranded RNA को बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है? वायरसेस यूज किए हैं जिनके पास RNA जीनोम है. इसका मतलब रेट्रो वायरसेस यूज किए हैं. इसके अलावा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोर्टर जिन्हें जंपिंग जीन बोलते हैं वो यूज किए हैं. यानी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए भी यूज, हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज किया है? वायरस, दैट इज नोन एज रेट्रोवायरस एंड ट्रांसपोर्टर. एक बार ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए की जरूरत कहां पड़ेगी? निमेटोडा में. और निमेटोडा कहां रहता है? प्लांट में. तो एक्चुअली इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की जरूरत हमें प्लांट में पड़ेगी और प्लांट की जड़ों में पड़ेगी. कहां पर पड़ेगी? प्लांट की जड़ों में. तो हमें ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट में पहुंचाना है. और हमने पढ़ाया था प्लांट में अगर कोई चीज पहुंचानी है तो उसे पहचानने के लिए रेट्रोवायरस चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम? एग्रोबैक्टीरियम. और वो यहां लिखा है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके निमेटोडा स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट में हमने पूरी जीन ही भेज दी है. ये रही वो जीन, दिस जीन. जीन मतलब पार्ट ऑफ डीएनए. हमने ये जीन ही भेज दी है कहां पर? प्लांट में. और प्लांट में ये जीन जब पहुंची तो इसने एमआरएनए बनाना चालू किया. और एक बनाया कि दोनों? दोनों. एक सेंस भी और एक एंटी सेंस. ये भी लिखा हुआ है. द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए. इसका मतलब हमने भेजी थी जीन. कहां पर जीन भेजी थी? प्लांट में. प्लांट में जीन जाने के बाद वहां पर आरएनए बनने लगा. और आरएनए का क्या बनने लगा? सेंस. और क्या बनने लगा? एंटी सेंस. और सेंस और एंटी सेंस बना तो उस जीन से कैसा आरएनए बनने लगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. किसके पास बनने लगा? प्लांट. और प्लांट का ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए घुसा किसके अंदर? निमेटोडा यूजिंग वायरस. यूजिंग वायरस क्योंकि बेटा एनिमल के अंदर घुसने के लिए आपको क्या चाहिए? वायरस. कौन से वायरस? रेट्रोवायरस. तो रेट्रोवायरस के अंदर, रेट्रोवायरस जब इस डीएनए को इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कहां ले गए? निमेटोडा. तो निमेटोडा के उस
स्पेसिफिक आरएनए को ब्लॉक कर दिया। आगे सुना, आरएनए इन द होस्ट सेल, दीस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यानी ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये निमेटोडा में बनाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी कहां इंट्रोड्यूस किया गया? प्लांट में, और प्लांट को बनाया गया ऐसा कि जिसमें जीन डाला जाए और जीन डाल करके एक बने कि दोनों बने, एमआरएनए दोनों बने, सेंस भी और एंटी, और इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर इससे क्वेश्चन जब बनेगा और जब आप फंसोगे वो क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाने के लिए क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है? वायरसेस। दूसरा क्या है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। सारे वायरसेस की रेट्रोवायरसेस जिनके पास क्या है? आरएनए। तो पहला, और दूसरा ये जो जीन है वो प्लांट में कैसे घुसेगी? प्लांट जब भी होस्ट होगा वो जीन को किससे लेकर लेगा? एग्रो बैक्टीरियम। बाकी तुम्हें इतना मालूम है कि निमेटोडा के डीएनए से एमआरएनए बनेगा और हमें एमआरएनए को ब्लॉक करना है, एमआरएनए को साइलेंट करना, एमआरएनए को रोकना है। इसका मतलब इंटरफियर किसको कर रहे हैं? आरएनए को। और आरएनए आगे क्या नहीं बना रहा? प्रोटीन। और अगर प्रोटीन नहीं बना रहा तो आगे काम होंगे कि नहीं होंगे? अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इससे क्वेश्चन बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस, एमआरएनए, और यहीं से बनेंगे। जहां बहुत मुश्किल बनेगा तो यहां से, होस्ट और वेक्टर से बनेगा। तो आसानी से कर लेना, डिटेल कभी पढ़ना होगा तो मैं डिटेल इसका वीडियो बाद में बना दूंगा। अभी रिवीजन में मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा। मैंने एक एक लाइन पढ़ दी आपके सामने, और इस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि पहले आपका टोबैको में बहुत सारी नॉट्स थी, ये बनी है नॉट्स, इसलिए टोबैको गड़बड़ थी। फिर तुमने आरएनए इंटरफेरेंस करी, और आरएनए इंटरफेरेंस करने के बाद वही जड़े जो जिनमें गांठें थी वो गांठें रही कि हट गई, क्योंकि निमेटोडा बचा कि मर गया? कैसे मरा? क्योंकि उसके किसके निमेटोडा एमआरएनए को आपने ब्लॉक किया। कैसे ब्लॉक किया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से लाए? रेट्रोवायरस और ट्रांसक्रिप्शन से। और वो बनाया किसके द्वारा बेटा? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से सारे सीधे आरएनए बनाया कि बेटा जीन बनाया? जीन। और जीन को डाला कहां? प्लांट में। और प्लांट में डालने के बाद के लिए क्या यूज किया? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस। और एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस वहां पर जाकर के जीन छोड़ा, और जीन को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि उसने सेंस भी बनाया और एंटीसेंस। पर निमेटोडा केवल क्या बनाएगा? सेंस। तो बताओ आपका जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए थे उससे क्या निकलेगा? एंटीसेंस। एंटीसेंस किसको ब्लॉक कर देगा? सेंस को। आगे प्रोटीन नहीं बने, लेकिन तुम्हारे पास जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बचा उसमें क्या बच जाएगा? सेंस। और सेंस को क्लीव कर देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे। कौन? रिस्क। व्हाट इज रिस्क? आरएनए इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। वो थोड़ा एक्स्ट्रा था जो आपकी बुक में नहीं था, और डिटेल में रहेगा तो मैं कभी ना कभी पढ़ा दूंगा। फिलहाल हमारा एग्रीकल्चर की बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो गई। नाउ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब है दवा में कैसे भाई हम लोग यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो बोलते हैं मेडिसिन में बनने के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। याद रखना, बायोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब है ऐसे फार्मास्यूटिकल जो बायोटेक्नोलॉजी से बने हैं। बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से मेडिसिन में मदद पा रहे हैं। बोलते हैं आज तक पूरी दुनिया में कितने बायो फार्मास्यूटिकल बन चुके हैं? आपके बुक में लिए लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट बायो फार्मास्यूटिकल बन चुके हैं। मैं इसमें एक और जोड़ सकता हूं, नाउअडेज कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, याद रखना। और इन इंडिया 12 इनमें से मार्केटेड है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया 10 कदम में कि बताइए पूरी दुनिया में कितने बने? 30। और इंडिया में कितने बने? एक भी नहीं बना। अब एक बना है, बोलो कौन? बल्कि हमारे पास इंडिया में मार्केटिंग कितने की हो रही है? 12। इन 12 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट का नाम है ह्यूमन इंसुलिन। याद रखना, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ह्यूमन इंसुलिन। और इस ह्यूमन इंसुलिन को भी बेटा हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज ह्यूमिलिन। इट इज आल्सो नोन एज ह्यूमिलिन और ह्यूमन इंसुलिन। याद रखना,
ओवर वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाए जा चुके हैं, उनमें से 12 हमारी इंडिया में मार्केटेड है। अभी कोई पूछे कि सर एक नया वैक्सीन जिसका नाम है कोरोना वैक्सीन, क्या इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज है? यस, और वो हमने इंडिया में भी बनाई है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से। बाकी प्रोडक्ट आपको मालूम है बाहर है, बाकी 12 प्रोडक्ट इंडिया में मार्केट है। मैं बोल सकता हूँ 13-14 हो चुके होंगे अब तक। ये 2007 में किताब लिखी गई थी, तब 12 थे, तो अब तो 13 साल और बीत चुके हैं, तो अब तो और प्रोडक्ट बन गए होंगे। इनमें से एक है ह्यूमन इंसुलिन। आइए ह्यूमन इंसुलिन का काम क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, मैं लोगों को सिंपल चीज बढ़ाता था, सिंपल चीज लोग कहते हैं कि सर नहीं समझ में आती, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज है जो आपसे छूट रही। हर आदमी बिना खाना खाए रह नहीं सकता, खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा, फूड। और जब भी हम फूड खाते हैं इसका होता है डाइजेशन, एवरीवन नोस डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद बेटा एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी तुमने खाया है वो आपके ब्लड में आ जाता है। तो कंसीडरिंग कि ये हमारी ब्लड वेसल है, तो जैसे ही तुमने खाना खाया होगा, खाना खाने पर आपने स्टार्च खाया होगा, रोटी खाई होगी स्टार्च होगा, चावल खाया होगा स्टार्च होगा, स्टार्च डाइजेस्ट होकर के बनाया होगा ग्लूकोज। क्या बनाया होगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया। मैं अब बच्चों से पूछता हूं, क्या खाना खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना लाजमी है? यस, ग्लूकोज बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि खाना खाने के बाद एब्जॉर्प्शन करके ग्लूकोज बनाए। एब्जॉर्प्शन किया गया, ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ गया। अब जब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ गया है तो इसका होगा क्या, इस ग्लूकोज को हम लीवर में भेजेंगे, लीवर या लीवर, या फिर हम टिश्यूज में भेजेंगे, टिश्यूज में भेजेंगे। याद रखना टिश्यूज में क्यों भेजेंगे सर, ये भी बताते जाइए। टिश्यूज में इसलिए भेजेंगे कि टिश्यूज में रेस्पिरेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म चल रही है, ताकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस की जा सके। तो याद रखना जब भी ग्लूकोज ब्लड से लीवर की तरफ या टिश्यू की तरफ चलेगा तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होने लगेगा। कब? जब ग्लूकोज कहां जाएगा? लीवर। अब लीवर में और टिश्यू में जाने के लिए हमारे पास कुछ बेटा रिसेप्टर्स है और कुछ चैनल्स है। देयर आर सम रिसेप्टर्स एंड देयर आर सम चैनल्स। याद रखना इन चैनल में से एक चैनल है GLUT4। कौन सा बेटा? GLUT4। अगर GLUT4 चैनल ओपन है, अगर GLUT4 चैनल ओपन है तो ये सुगर टुवर्ड्स लीवर और टुवर्ड टिश्यूज चली जाएगी। अगर टुवर्ड टिश्यूज चली गई तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तब कम होगा जब ग्लूट खुले होंगे, और ग्लूट खोलने के लिए वी नीड अ हार्मोन नोन एज इंसुलिन। अगर इंसुलिन नाम का हार्मोन है तो वो ग्लूट को ओपन रखेगा, और ग्लूट को ओपन रखेगा तो ग्लूकोज लीवर और टिश्यूज में जाता है। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि अगर इंसुलिन है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कि डाउन होगा? डाउन होगा। कहां पर? ब्लड में। बहुत गड़बड़ करते हैं लोग, ब्लड में कम होगा, कहां बढ़ेगा? कहां बढ़ेगा? और हमारा हमारी नजर टिश्यू और लीवर की बजाय कहां होनी चाहिए? ब्लड में। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है कोई तो वो कौन है? अब बोलते हैं इंसुलिन कहां से आता है? सर इंसुलिन पैनक्रियाज नाम की ग्रंथियों से आता है, और पैनक्रियाज की भी एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड में भी बीटा सेल। कौन सी सेल? बीटा सेल। या तो बीटा सेल खराब हो जाए या फिर रिसेप्टर खराब हो जाए, दोनों ही केस में या तो बीटा सेल खराब हो जाए या तो रिसेप्टर खराब हो जाए, इंसुलिन बढ़ेगा कि घट जाएगा? अगर इंसुलिन घट जाएगा तो तुम खाना खाना बंद तो करोगे नहीं, खाना खाओगे तो ग्लूकोज बढ़ेगा, लेकिन वो कहां नहीं जाएगा? कहां नहीं जाएगा? तो बताओ ग्लूकोज कहां बढ़ जाएगा? ब्लड में। इसे बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां बढ़ जाएगा? ब्लड में। और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज पहुंचेगा किडनी में। कहां पहुंचेगा? किडनी। और किडनी में बेटा यूरिन के साथ पास होगा। यूरिन में जब ग्लूकोज पास होने लगे तो इसे बोलते हैं मीठा यूरिन, और इसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो कोई मुझे बताए डायबिटीज मेलाइटस का कारण क्या है?
डायबिटीज मेलाइटिस का कारण है, या तो क्या कम हो जाए, या तो क्या कम हो जाए, रिसेप्टर खराब हो गए तब भी डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, इंसुलिन कम हो गए तब भी डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी। और डायबिटीज मेलाइटिस दो प्रकार की, एक टाइप वन और एक टाइप टू। तुम्हें लगेगा कि सर टाइप वन और टाइप टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने टाइप टू शब्द लिखा। तो बोलते हैं जो बचपन में इंसुलिन हो जाए, जुवेनाइल ऑनसेट हो जाए, जो बच्चों को डायबिटीज हो जाए उसे टाइप वन बोलते हैं, और जो एडल्ट ऑनसेट हो जाए उसे टाइप टू बोलते हैं। याद रखना इंसुलिन की ज्यादा जरूरत टाइप वन में है, बच्चों को इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। टाइप टू में भी लेटर केसेस में, आखिरी के केसेस में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो बताओ इनमें से टाइप वन जो बच्चों को डायबिटीज हो रही है उसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। अब बोलते हैं टाइप वन डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी तो इंसुलिन लाएंगे कहां से? बोलते हैं इंसुलिन तो केवल सर कहां मिलती है? पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज बाजार में मिलता नहीं। तो बोलते हैं पुराने समय पर लोग क्या करते थे, स्लॉटर हाउस जाते थे। स्लॉटर हाउस क्या होते हैं? ये वो जगह होते हैं जहां पर बेटा हम लोग पिग को काटते हैं। अच्छा ये अंग्रेजों की कहानियां है, इंडिया में ऐसा नहीं था। अंग्रेज लोग बेटा पोर्क खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं, इसके अलावा बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, इसके अलावा यू नो दैट डिफरेंट मैमल्स खाते हैं, और ये जो मैमल्स हैं इनके पास पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज प्रेजेंट है, और उस पैनक्रियाज को प्यूरीफाई करके हम लोग इंसुलिन निकलवाते थे। और हम मानते थे कि ये इंसुलिन जो है वो मैमल की है, तो ह्यूमन भी मैमल है और वो ह्यूमन में काम कर जाएगी। लेकिन याद रहे ये इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन नहीं है, मैमल इंसुलिन है लेकिन ह्यूमन इंसुलिन नहीं है। तो ये इंसुलिन जब भी ह्यूमन को लगाई जाती थी, याद रखना ये ह्यूमन को लगाई जाती थी तो डायबिटीज तो कम करती थी लेकिन उससे ज्यादा क्या कर देती थी, एलर्जी। तो लोगों ने कहा यार ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम लोग पिग की अगर इंसुलिन या फिर बीफ की यानी गाय की इंसुलिन या दूसरे मैमल की इंसुलिन अगर हम लोग लेंगे इंजेक्शन में तो वो इंसुलिन हमारी है ही नहीं, हमारी है नहीं तो हमें तो बेटा एलर्जी करेगी। तो बोले गए अगर ह्यूमन को इंसुलिन डालनी है तो ह्यूमन इंसुलिन चाहिए। तो बोले जैसे गाय भैंस मार दी जा रही है आदमी को मार दे, ऐसा नहीं कर सकते। आदमी को मार करके उसकी इंसुलिन निकालने से क्या, एक आदमी को बचाने के लिए दूसरा आदमी मार दिया, दूसरा तो तुरंत ही मर गया, पहला आदमी तो तुरंत ही मर गया, दूसरा बचेगा कि नहीं बचेगा भगवान जाने। तो बोलते हैं अब ये इंसुलिन कैसे बनाई जाए जो ह्यूमन की इंसुलिन हो? बोले यार बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। कैसे कैसे पॉसिबल है? बोले वो जीन पता लगाओ जो ह्यूमन डीएनए में, याद रखना अब की बार आप ह्यूमन डीएनए लीजिए, क्या लीजिए? ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन पूरा लीजिए कि ह्यूमन डीएनए? ह्यूमन डीएनए। उस ह्यूमन डीएनए की डिजायर जीन लीजिए। अब बताइए डिजायर जीन जो होगी वो क्या बनाती होगी? इंसुलिन। अब इस इंसुलिन जीन को ले लीजिए और 6 स्टेप करिए। बताओ 6 स्टेप। आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, दूसरा कटिंग ऑफ जीन। कटिंग ऑफ जीन करने के लिए आपने क्या यूज किए होंगे? आरएनए, याद रहेगा। अब इस जीन को कट करने के बाद अब आपको ये जीन डालनी है वेक्टर में। किसमें डालनी है? चलिए वेक्टर पे, अब की बार वेक्टर है प्लाज्मिड। कौन वेक्टर है? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड किसका है बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के वेक्टर प्लाज्मिड में हमने ह्यूमन इंसुलिन डालने की कोशिश की। जैसे ह्यूमन इंसुलिन डाली बेटा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने भेजा होस्ट में। किसमें भेजा? और होस्ट अगेन एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, साथ में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डाल दिया। और जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, ध्यान से देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते ही हमारे पास इंसुलिन जीन पहुंच गई। अब इस इंसुलिन जीन को हमने एक्टिवेट किया। कैसे? जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसी रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या है? इंसुलिन। पता है ये इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो बना कौन रहा? बैक्टीरिया। लेकिन ये हार्मोन बनता किसमें था? ह्यूमन में। तो ह्यूमन का डीएनए तुमने कहां काट कर डाला? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में डालकर तुमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया। लेकिन ह्यूमन इंसुलिन की एक खास बात यह है
कि वो जब भी बनती है उसके तीन पेप्टाइड होते हैं, कितने पेप्टाइड, तीन, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड, ये रहा ए पेप्टाइड ये रहा बी पेप्टाइड, और ए और बी पेप्टाइड को जोड़ने वाला देयर इज सी पेप्टाइड, बोलो कौन सा पेप्टाइड, सी, ध्यान सुनना, ह्यूमन इंसुलिन में तीन पेप्टाइड, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, अगर ए बी सी तीनों पेप्टाइड है तो ऐसा इंसुलिन इज नोन एज इनएक्टिव इंसुलिन, और इनएक्टिव इंसुलिन इज आल्सो नोन एज प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन किसी काम का नहीं है, ये तुम्हें इंजेक्शन में मिल भी जाए तो किसी काम का नहीं। तो जब भी हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन बनाने की कोशिश की, हमको इंसुलिन तो मिला लेकिन वो एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, इस इंसुलिन का नाम क्या रखा गया, प्रो इंसुलिन, फिर से बोलो, और बताओ प्रो इंसुलिन हमारे किसी काम का था कि नहीं था, नहीं था। अब एक कंपनी आती है और इस कंपनी का नाम है एली लिली, याद रखना ये लिखी हुई है, अभी आपके सामने एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, 1983 में एक कंपनी आई जिसका नाम है एली लिली, और इस अमेरिकन कंपनी ने टू डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, एक ने ए जीन ए पेप्टाइड बनाई, दूसरी ने बी पेप्टाइड बनाई, और दोनों पेप्टाइड अलग अलग बनाई। अब ई ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बनाने के बाद इसने इन्हें डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया, तो बताओ एली लिली कंपनी ने प्रो इंसुलिन बनाई कि एक्टिव इंसुलिन, सो दिस इज हाउ इंसुलिन हैज बीन फॉर्मड, ये आपकी बुक है जहां पर ये सब लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको डायग्राम देखने तो देखिए आपके पास देयर इज ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, ये रहा ए पेप्टाइड ये रहा बी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को जोड़ने वाला ये रहा सी पेप्टाइड, जब सी पेप्टाइड अलग हो जाता तो ए और बी सल्फाइड लिंकेज से ये एक्टिव इंसुलिन है। तो बताइए जब हम लोग नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे तो बताओ पूरी इंसुलिन बन रही थी एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, तो एक कंपनी आई कौन सी, किस सन में, 1983, और उसने कौन सी इंसुलिन बनाई, पूरी इंसुलिन बनाई एक्टिव, एक्टिव बनाने के लिए उसने एक डीएनए सीक्वेंस लिया कि दो, एक सीक्वेंस से क्या बनवाया ए पेप्टाइड, दूसरे सीक्वेंस से बी पेप्टाइड, और फिर दोनों को किससे जोड़ दिया, इस तरीके से एली लिली कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है कि उसने ह्यूमन इंसुलिन और डायबिटीज में यूज किया। अब बताइए हम बनवा भले बैक्टीरिया से रहे लेकिन वो जीन किसकी है, ह्यूमन की, तो वो इंसुलिन बैक्टीरियल इंसुलिन कहलाएगी कि ह्यूमन इंसुलिन, और ह्यूमन इंसुलिन मार्केट में बहुत ज्यादा यूज की जा रही है और डायबिटीज के लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जीन थेरेपी, इसे समझने की कोशिश करिएगा, जीन थेरेपी क्या है और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आइए ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए में एक जीन है, हमें नहीं मालूम ये जीन कौन सा, पर हमें बताया गया कि ये जीन से एमआरएनए बनेगा, क्योंकि जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए बनेगा वैसी प्रोटीन बनेगी, जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा एंजाइम बनेगा, और जैसा एंजाइम बनेगा वैसी रिएक्शन आएगी। अब मैं इस रिएक्शन का नाम आपको बताता हूं, एक एक करके जब मैं नाम बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, इस रिएक्शन का नाम है मैचुरेशन। अच्छा आपका दिमाग खराब होगा सर, मैचुरेशन, किसका मैचुरेशन, तो मैं बोलूंगा मैचुरेशन ऑफ लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट वो कोशिकाएं होती हैं जो बेटा बच्चा कोशिकाएं होती है, इमैच्योर कोशिकाएं होती है, लिम्फोब्लास्ट को मैच्योर करके लिम्फोसाइट बनाना है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बनाना, अगर लिम्फोसाइट मैच्योर हो गई तो दो तरीके से मैच्योर होगी, एक टी सेल्स और एक बी सेल्स, बाकी मैंने आपको पढ़ा रखा है। टी सेल्स और बी सेल्स को मैच्योर करने के लिए आपको एक रिएक्शन करानी पड़ेगी, ओके आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये टी सेल और बी सेल इम्यूनिटी पैदा करती है, याद रखना टी सेल की इम्यूनिटी का नाम है सीएमआई, व्हाट इज सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी सेल के नाम है एचआई, व्हाट इज एचआई, बताइए इसमें एंटीबॉडी बनेगी, और इसमें किलर सप्रेसर सेल होगी, इसका मतलब आपको लड़ने की क्षमता, पैथोजन से लड़ने की क्षमता टी सेल भी देती है और बी सेल भी देती है। अच्छा टी सेल और बी सेल अगर चाहिए
तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, और मैचुरेशन करना है तो क्या करनी पड़ेगी, और रिएक्शन करनी है तो क्या चाहिए? इस एंजाइम का नाम है यस एडिनोसिन डीएमिनेज। बोलो क्या नाम है? एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एक एंजाइम है जो लिम्फोब्लास्ट को लिम्फोसाइट बनाता है। अब मैं बोलूंगा ये एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम बनाने के लिए क्या चाहिए होगी, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए होगा, एमआरएनए, और एमआरएनए के लिए क्या चाहिए होगी, जीन। तो हुआ क्या, एक डीएनए में एक जीन खराब हो गई, करप्ट जीन हो गई, जीन बेटा बर्बाद है, खराब है, रॉन्ग है, क्योंकि बैड जीन है, रॉन्ग जीन हो गई, करप्ट हो गई। अगर जीन करप्ट हो गई तो आगे चलो खराब जीन से एमआरएनए नहीं बनेगा, या फिर खराब एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, या फिर खराब प्रोटीन बनेगी, एंजाइम नहीं बनेगा, बन जाएगा नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनी तो एंजाइम भी, और एंजाइम नहीं बना तो रिएक्शन, इसका मतलब लिम्फोसाइट का मैचुरेशन, इसका मतलब सीएमआई और एचआई, इसका मतलब इम्यूनिटी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। अब इम्यूनिटी नहीं होगी तो इस बीमारी का नाम क्या होगा, इस बीमारी का नाम होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब आप इस पूरी चीज को समझ लें, सर इम्यूनो डिफिशियंसी हो गई, इम्यूनिटी की डिफिशियंसी हो गई, सीएमआई अचाई कि दोनों, दोनों मतलब कंबाइंड रूप से इम्यूनो डिफिशियंसी हो गई, और अगर दोनों की इम्यून डिफिशियंसी हो गई तो नॉर्मल बात है कि सीवियर बात, सीवियर बात। इसी बीमारी को लोग स्किड बोलते हैं, मेरे बच्चे बोलते हैं SCID, व्हाट इज SCID, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके, अब मैं पूछूं SCID क्यों हुई, किसी को जवाब नहीं मिलेगा। SCID इसलिए हुई कि जीन खराब हो गई, जीन खराब हुई तो एमआरएनए खराब, प्रोटीन खराब, एंजाइम खराब, क्या नहीं हुई, रिएक्शन मैचुरेशन नहीं हुआ तो क्या नहीं बनी, लिम्फोसाइट, टी सेल, बी सेल, सीएमआई, एचआई, और आपको हो गई स्किड। और स्किड के बच्चे या सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के बच्चे एड्स से भी भयानक अवस्था से गुजरते हैं। एड्स तो फिर भी 10 साल देता है, ये बच्चे 4-5-7 साल के अंदर अंदर इनकी डेथ हो जाती। तो जिन बच्चों को भी SCID हो सकती, हो जाया करती थी, उन बच्चों के क्या इलाज हुआ करते होंगे पुराने समय पर। पुराने समय पर जो इलाज हुआ करते थे वो एक इलाज था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ध्यान सुन लो, बुक में सब कुछ लिखा, घर जाके पढ़ लेना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम इस बच्चे को इंजेक्शन लगाते थे, हर 15-20 दिन बाद एक इंजेक्शन लगाते थे, बताओ किसका, एडिनोसिन डीएमिनेज का इंजेक्शन लगाते रहते थे, तो इस बच्चे को पूरी उम्र जिंदगी इंजेक्शन लगते लगते इंजेक्शन का ही इंफेक्शन होकर के मर जाता था। या फिर जहां पर ये लिम्फोसाइट बन रही हैं, उस पूरे के पूरे लिम्फोसाइट बनने वाली फैक्ट्री खराब है, और फैक्ट्री क्या होती है, बोन मैरो, बोन मैरो से बेटा लिम्फोसाइट बनती है। तो दूसरा इलाज था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हम बोन मैरो ही बदल दें। अब याद रखना, सुनने में जितना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अच्छा लगता है उतना मुश्किल बहुत है। क्यों? क्योंकि एक बोन तो है नहीं, 206 हड्डियां, 206 हड्डियां में 20 से 25 हड्डियां जिनका बोन मैरो ये बना रहा है। लॉन्ग बोन्स आपकी बॉडी में जितनी भी हैं, लंबी बोन्स वो बोन मैरो रखती है, चपटी बोन नहीं रखती। तो अब हर बोन का बोन मैरो तुम निकाल के ट्रांसप्लांट करो तो आपकी बोन ही वीक हो जाएंगी और बच्चा बोन की ही डिजीज से मर जाएगा। तो ना तो ये परमानेंट इलाज है, ना तो ये परमानेंट इलाज है। तो बताओ बच्चे को जो इलाज दिए जा रहे थे वो परमानेंट थे कि नहीं थे? नहीं थे। फिर बेटा 1990 आई थी, कहां गया? 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर एक प्रयोग और देखा गया, और वो प्रयोग ये था कि क्यों ना हम इसकी जीन बदल दे, इसकी जीन अगर सही कर दे, ना तो बोन मैरोट सही करे ना एंजाइम डाले, अगर हम जीन करेक्ट कर दें तो हम जीन थेरेपी कर सकते हैं। और जीन करेक्ट करने के लिए अच्छी जीन डाल दें
खराब जीन को कट कर दें, अच्छी जीन आ जाए। तो बोले अच्छी जीन आएगी कहां से? वही छह स्टेप, बोलो मेरे साथ। आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए, आइसोलेशन ऑफ विद विद द करेक्ट जीन और गुड जीन, गुड जीन, ये डिजायर्ड जीन होगी जो अच्छी जीन होगी। इसको क्या करें? कट करें। क्या करें? कट करने के बाद इसे कहां डालें? जो बीमार है उसकी कोशिकाओं में डालो। यस और नो? यस। तो बेटा पहला डिजायर्ड जीन को कट करें और डालें। एक किया भी गया 1990 में, 4 साल की बच्ची की लिम्फोसाइट उठाई गई। क्या उठाई गई? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कहां से उठाई गई? ध्यान सुनना, लिम्फोसाइट उठाई गई ब्लड से। ये रही लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट खराब है, इसका मतलब ये इमैच्योर लिम्फोसाइट है, इनका जीन खराब है। इनके जीन को सही करने के लिए हमने डिजायर्ड जीन को कट किया, डिजायर्ड जीन को कट किया, और कट करने के बाद इस जीन को इस जीन के साथ बेटा बदल दिया। बताओ यहाँ पर डिजायर है कि अनडिजायर्ड? अनडिजायर्ड। बताओ बच्ची की लिम्फोसाइट कैसी थी? अनडिजायर्ड जीन वाली है। बच्ची की जीन को सुधारना है तो बच्ची की लिम्फोसाइट सुधारने गए, और बच्ची की लिम्फोसाइट को सुधारने के लिए बच्ची की लिम्फोसाइट का डीएनए और उसकी जीन सुधारनी थी, तो बच्चे की लिम्फोसाइट के डीएनए को सुधारा, तो उसकी खराब जीन को रखा के हटा दिया और अच्छी जीन को इंट्रोड्यूस किया। अब बताओ इंट्रोड्यूस करना है आपको जीन इन एनिमल, बताइए एनिमल में कोई जीन इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करोगे? रेट्रोवायरस। लेकिन रेट्रोवायरस की समस्या ये है कि रेट्रोवायरस है आरएनए। बताओ उनके पास क्या होता है? आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमने अपनी जीन को आरएनए वायरस के पास डाला, तो आरएनए वायरस ने बेटा एक डीएनए बनाया होगा, दैट इज नोन एज सी डीएनए। बोलो क्या नाम है? और ये सी डीएनए किसके लिए होगा? एडीए के लिए। किसके लिए? एडीए। व्हाट इज एडीए? एडिनोसिन डीएनए। तो हमने एडीए सी डीएनए नाम का एक जीन रेट्रोवायरस में भर के, किसमें बेटा? रेट्रोवायरस में भर के कहां डाला? लिम्फोसाइट में। और लिम्फोसाइट सही रही कि ठीक, खराब हो गई कि सही हो गई? सही हो गई। सही हो गई। तो ये कब किया हमने? तो याद रखना एडीए डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए हमने तीसरा तरीका निकाला, और इस तीसरे तरीके में हमने जाइम रिप्लेस किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, कि बेटा जीन रिप्लेस किया, तो खराब जीन हटाया अच्छा जीन डाला, दैट इज नोन एज जीन थेरेपी। तो कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी के आप लोग देखें और समझें, मैं यहां पर वो चीजें आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवेन इन 1994 ईयर गर्ल with adenosine DNA deficiency. This enzyme is crucial for immune system function. Disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine DNA. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow. कुछ में कैसे cure होती थी? Bone marrow transplantation से। Other कैसे cure होते थे? Enzyme replacement. In which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approaches that they are not a completely curative. पता है ये पूरी तरीके से curative थी कि नहीं थी? नहीं थी। At first it step towards the gene therapy. Lymphocyte, याद रखना, lymphocyte from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. उस बच्ची की lymphocyte हमने बाहर निकाल ली। A functional ADA cDNA, बोलो, adenosine deaminase cDNA using retroviral vector is then introduced into the lymphocyte. Kisme dala gaya? Lymphocyte. And which are subsequently returned to the patient. Aur phir aisi lymphocyte ko kiske andar dal diya gaya? Patient. Pata hai wo lymphocyte sudhar gayi hongi? Yes sir. But this was also not the permanent cure. ये भी परमानेंट क्योर नहीं था, क्योंकि लिम्फोसाइट की एक एज होती है, अच्छी लिम्फोसाइट फिर कुछ दिन बाद मर जाएंगी, तो इसका मतलब है हमें बार बार लिम्फोसाइट को क्योर करना पड़ेगा। तो बताओ इस 4 साल की बच्ची को परमानेंट इलाज मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। पर बेटा एक आशा जगी, आशा ये जगी कि जीन थेरेपी अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कर दी जाए, कब? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कर दी जाए, तो जब पूरी ऑर्गन नहीं बने, बोन मैरो नहीं बनी है, तो सारी बोन मैरो को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन थेरेपी से सुधार दिया जाए, तो बताइए क्या ये परमानेंट क्योर होगा? यस सर। तो इस 4 साल की बच्ची को नहीं मिला, लेकिन आने वाले बच्चियों को मिल सकता है।
पर हमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कैसे पता चल जाएगा कि बच्चे को बीमारी है कि नहीं, इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, नाम है एम्नियोसेंटेसिस। और एम्नियोसेंटेसिस से हम गर्भ में ही पता कर लेते हैं कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं। तो याद रखना, इस तरीके से हम लोगों ने ADA डेफिशिएंसी के इस बच्चे को ट्रीट किया। नो डाउट ट्रीटमेंट वॉज सक्सेसफुल, जीन थेरेपी वॉज सक्सेसफुल। तो कुल मिलाकर 3 ट्रीटमेंट हो गए, एक एंजाइम रिप्लेसमेंट, दूसरा बोन मैरो, तीसरा जीन थेरेपी एट आफ्टर बर्थ। ये बताओ परमानेंट है कि नहीं है? नहीं है। जीन थेरेपी अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में की जाए तो क्या परमानेंट है? इस तरीके से जीन थेरेपी वाला पोर्शन भी खत्म हुआ। नाउ द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज योर नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में हमें कुछ चीजें सीखनी है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को समझने के लिए मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ, जरा पहले उसे समझिए फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ जाएगा। अंकित ये जल रहा कि सिगरेट कोई पी रहा? नहीं सर कोई भी नहीं। जलने की कैसे कहे कारण? नहीं तो नहीं आ रही कुछ आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आ रही है, सॉरी। तो होता क्या है कि सिम्टम्स और डिसीज कैसे आते हैं, ध्यान सुनिए। मान लीजिए एक बैक्टीरिया, इधर देखिएगा सारे लोग, बैक्टीरिया इज अ पैथोजन। अब पैथोजन किसी भी बॉडी के अंदर घुसता है। लेट सपोज वी आर द बॉडी, हम लोग बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया घुसा। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसने के बाद हमारी पैथोजेनेसिस क्रिएट करेगा, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को खराब कर देगा। यानी हमारी कोशिका के अंदर घुस के, हमारी बॉडी के अंदर घुस के, हमारी बॉडी के अंदर घुस करके उल्टा सीधा काम करना चालू करेगा, पैथोजेनेसिस करेगा। पैथोजेनेसिस करने की वजह से हमारी बॉडी में साइन पैदा होंगे और सिम्टम्स पैदा होंगे, और साइन और सिम्टम्स पैदा होने के बाद हम कहेंगे हमें डिसीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से पूछूं कि अगर मान लो एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसा, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफीमोरी, सॉरी टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी जाकर के आपकी बॉडी में जाके क्या किया, टाइफाइड, आपको फीवर आने लगा। तो फीवर आने लगा, ये क्या है, साइन एंड सिम्टम, आपको क्या हो चुकी डिसीज। अब इस डिसीज का पता लगाने चल रहा है कि ये फीवर है, पर ये मलेरिया का फीवर है, ये टाइफाइड का फीवर है, ये कोरोना का फीवर है। तो डिसीज होने के बाद हमने डायग्नोसिस कराई, और जैसे डायग्नोसिस कराई हमने कराया विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल। अब विडाल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? ब्लड टेस्ट। बताइए इस टेस्ट से क्या पता चलेगा कि डिसीज किसकी है? डिसीज तो है, पर डिसीज किसकी है, मलेरिया है कि टाइफाइड? बताइए जितने भी कन्वेंशनल डायग्नोसिस है ये बीमारी होने के पहले डायग्नोस कर देते हैं कि बाद में? तो याद रखना जितनी भी कन्वेंशनल डायग्नोसिस डॉक्टर करवाते हैं, कन्वेंशनल डायग्नोसिस वो है जो डॉक्टर बहुत दिनों से करवा रहे, दीज ऑल आर लेट डायग्नोसिस, ये सब की सब लेट डायग्नोसिस है। कोई पूछे ये लेट डायग्नोसिस क्यों है, क्योंकि भाई ये बीमारी तब बताते हैं जब आफ्टर सिम्टम्स, जब हमें सिम्टम्स हो जाए। और ये लेट डायग्नोसिस हमें ब्लड से करानी होती है, यूरिन कराना होता है, सीरम कराना होता है, तो हम लोग एक्सरे सीरम ये सब कराते हैं। ये जितनी डायग्नोसिस है लेट डायग्नोसिस है, अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब केवल इस बीमारी को रोकने का कोई फायदा नहीं है, बस इसको ट्रीट किया जा सकता है। बीमारी हो गई, अब ट्रीटमेंट जरूरी है। तो डायग्नोसिस आफ्टर द डिसीज इट इज अ लेट डायग्नोसिस, पर हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में घुसे और बीमारी करने के पहले, किसके पहले, बीमारी करने के पहले हम पता लगा ले। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बताइए डायग्नोसिस अर्ली होगी कि लेट? अर्ली। आजकल तो आप लोगों ने RT-PCR बहुत सुना होगा। अब RT-PCR बीमारी होने के पहले ही बता सकता है कि आपकी बॉडी में बीमारी होने के चांसेस हैं कि नहीं। याद रखना PCR कई बार लेट डायग्नोसिस के लिए भी यूज किए गए और अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी यूज किए गए। तो अर्ली डायग्नोसिस में हम लोग
पैथोजिन के यानी बैक्टीरिया के कुछ मॉलिक्यूल को टेस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या है, दीज में भी डीएनए क्या हो सकते हैं, डीएनए, दीज में भी प्रोटीन, दीज में भी ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब है हम बेटा बैक्टीरिया की या वायरस की डीएनए प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन को टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की डायग्नोसिस कर रहे हैं। और ये अर्ली है कि लेट है, अर्ली, व्हाई अर्ली, ये डिजीज होने के पहले बताते हैं, इसी वजह से इन डायग्नोसिस को हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बोलते हैं। इनमें क्या क्या देखते हैं, डीएनए प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। आइए इसी क्रम में आपकी बुक में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है देखिएगा, यू नो दैट द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस लाइक सीरम यूरिन अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग सीरम यूरिन को जांच कर रहे हैं तो इससे अर्ली डायग्नोसिस नहीं पॉसिबल हो सकती, बोलते अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपको करने पड़ेंगे तीन काम, पहला काम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा काम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा काम एलाइजा, व्हाट इज एलाइजा, एंजाइम सॉर्बेंट एसे। तो बताओ ये तीन ऐसे तरीके हैं जो लेट डायग्नोसिस के हैं कि अर्ली, तो अर्ली डायग्नोसिस में क्या क्या है बताओ, यस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब मैं इन तीनों को एक एक करके पढ़ा दे रहा हूँ, इतना बड़ा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अब ध्यान सुनिए, व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर क्या है उसे समझिए और उसके बाद हम समझते हैं पीसीआर। वैसे पीसीआर को मैंने पढ़ाया था कि पीसीआर में हम लोग डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, एक कॉपी की मल्टीपल, और पीसीआर करते वक्त तीन प्रोसेस करते हैं, अब आपको याद रखना पड़ेगा, पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन, दूसरा प्रोसेस है अनीलिंग, अनीलिंग और तीसरा प्रोसेस है एक्सेस। और ये कब करते थे किसी को याद ही नहीं होगा, तब करते थे जब डीएनए बहुत ज्यादा मात्रा में कि बहुत कम, लेस अमाउंट में हो, डीएनए बहुत लेस अमाउंट में हो, तो इस लेस अमाउंट डीएनए को हम बहुत ज्यादा बना करके एम्पलीफाई कर देते हैं, क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं, और ये एम्पलीफिकेशन बॉडी में करते हैं कि लैब में। अब हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सच्ची घटना के साथ समझाता हूँ तभी आता है। आप जब कभी भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में या सेकंड ईयर एमबीबीएस कर रहे होंगे, सेकंड ईयर एक्चुअली एमबीबीएस सेकंड ईयर नहीं होता, ढाई साल के बाद ही आता है वो, तो या डेढ़ साल या ढाई साल में आपको वार्ड पोस्टिंग मिलती है, आपको पहली बार अस्पताल जाने को मिलता है, आपको पहली बार मरीजों को दिखाया जाता है, पहले साल तो मुर्दा देखते हैं, दूसरे साल आप जिंदा लोगों को मरीज के बीच भेजते हैं। तो आप जब पहली बार मरीज को देखने जाते हैं तो आपको लगता है इन्हीं पे तो काम करना है, आप बोलते कोई काम बताए, तो लोग आपको कहते हैं ब्लड निकालना सीखो। अब आप ब्लड निकालने लगते हो और अक्सर ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर में जब आप ब्लड निकाल रहे हो तो आपको पता नहीं चल पाता कि एक पेशेंट ऐसा है जिसको एचआईवी है, और उस एचआईवी का ब्लड निकालते वक्त ही उस ब्लड की जो निडिल है, वो जो सिरिंज की निडिल है, वो आपकी उंगली में छू जाती है। अचानक जेआर आपको बताता है क्या हुआ, तुमने कहा कुछ नहीं साहब, ब्लड निकाल रहे थे इस पेशेंट का और उसी की निडिल हमारे हाथ में लग गई, कोई बात नहीं सर, थोड़ा ब्लड निकला। बोला कोई बात नहीं बच्चा, ब्लड थोड़ा निकला है लेकिन तुम्हें मालूम है तुम्हारी सिरिंज किसकी लगी, बोले किसकी, बोले इस आदमी को एचआईवी था। अब आपको लगता है इस आदमी को अगर एचआईवी था तो इसका ब्लड निकाला है तो ब्लड में एचआईवी वायरस आ गया होगा, और वही निडिल हमारे प्रिस्पियर्स हो गई है, तो अब तो जिंदगी गई भैया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये एचआईवी आपकी बॉडी में पहुंच जाए, और अगर आपकी बॉडी में पहुंच गया तो ये आपको बीमार कर सकता है और आपको क्या कर सकता है, एड्स। तो आधा तो आप तुरंत का तुरंत मर जाते हो क्योंकि आपको मालूम है अब आपको एड्स हो सकता है। लेकिन चूंकि ये मिक्सचर ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में इतना कम है कि पता नहीं चल पाएगा कि एचआईवी वायरस आपके ब्लड में गया कि नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं, जहां पर पियर्स हुआ है उसके आसपास के ब्लड सैंपल निकालते हैं, और ब्लड सैंपल निकाल करके किसी भी सस्पेक्टेड डीएनए को ढूंढते हैं। सस्पेक्टेड डीएनए वो डीएनए जो ह्यूमन डीएनए कि नॉन ह्यूमन डीएनए। अब ये नॉन ह्यूमन डीएनए इतना कम है क्योंकि अभी घुसा एक दो सेल का डीएनए, इतना कम है कि तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये डीएनए किसका है, एचआईवी का है
या आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कुछ भी, ये पता ही नहीं चल पा रहा ये किसका डीएनए या आरएनए है, यानी ये डीएनए एचआईवी का या किसी का, किसका है। तो बोलते हैं इस डीएनए को अमाउंट बहुत कम है, बताइए इस डीएनए के अमाउंट को क्या करने दें, इसी बॉडी के अंदर बढ़ने दें, एक ना एक दिन चार दो तीन से महीने छह महीने के बाद जब इतना बढ़ जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे को एड्स है कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम इस सस्पेक्टेड डीएनए का क्या कर लें, पीसीआर। व्हाट इज पीसीआर? बॉडी में, हां बॉडी में एक लैब। और अगर हमने इस डीएनए के बहुत सारी कॉपीज बना ली और बहुत सारी कॉपीज बनाकर इन्हें डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद हमने पाया कि वहां एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल नहीं पहुंचा है, तो बताइए आपको पियर्स तो हुआ लेकिन इन्फेक्शन, क्या ये अर्ली डायग्नोसिस है? यस। और अगर मान लो डिटेक्ट भी हो गया तो अभी मात्रा बहुत ज्यादा है कि बहुत कम, और अभी वायरस को मारा जा सकता है बाय सम ड्रग्स, दे आर नोन एज एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स या एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, और उन ड्रग्स के द्वारा इस वायरस को तुरंत मारा जा सकता है, तो बच गए। बताइए ये अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हुआ? यस। तो बोलते हैं पीसीआर किन किन चीजों में किया जा सकता है, पीसीआर एचआईवी में किया जा सकता है, कैंसर में किया जा सकता है, एटसेट्रा। अभी कोरोना वायरस में बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा आरटीपीसीआर, इसका मतलब क्या था? कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस एक सिंगल वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंड वायरस होता है। आरएनए वायरस से हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जब डीएनए बनेगा तो उसका पीसीआर करना पड़ेगा, तो इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मतलब है हमने कोरोना वायरस में भी अर्ली डायग्नोसिस करने की कोशिश की। पता हो अर्ली डायग्नोसिस कहां कहां पर तुम करवा रहे हो पीसीआर के द्वारा? एचआईवी, कैंसर, और अभी फिलहाल कौन सा था? कोरोना वायरस। तो याद रखना आरटीपीसीआर करके या फिर पीसीआर करके आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो। इसी तरीके से आप बेटा एलाइजा भी करा सकते हो। व्हाट इज एलाइजा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, याद रखना एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एसे का मतलब होता है टेस्ट, और ये काम इस प्रिंसिपल पे करता है कि देयर इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब भी कभी कोई एंटीजन होगा और उस एंटीजन को उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से रिएक्शन कराया जाए तो एंटीजन उस एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और इसी प्रिंसिपल पर हमारा एलाइजा काम करता है। अब एलाइजा काम करता है दो उद्देश्य के साथ। मान लो एक वायरस आपकी बॉडी में घुसा, ध्यान से समझिएगा, एक वायरस आपकी बॉडी में घुसा, ये घुस गया बॉडी में एक वायरस, तो ये वायरस आपको पता चले ना पता चले लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो बेटा सेलुलर लेवल तक है, ह्यूमोरल लेवल तक है। तो अगर कोई वायरस आपकी बॉडी में घुसा है तो ये बात हमारे पूरी बॉडी को पता ना चले लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा, और हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ ब्लड में क्या पैदा करने लगेगा? एंटीबॉडी। बोलो क्या पता करने लगेगा? तो बताइए किसी पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ अगर ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? तो ये बताता है कि वो वायरस भी ब्लड में कहीं प्रेजेंट है। Yes or no? Yes. पर कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं कि हम एंटीबॉडी को ढूंढते हैं, एंटीजन नहीं मिल रहा है तो हम एंटीबॉडी को ही ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? हम एक स्ट्रिप लेते हैं, ये रही वो स्ट्रिप, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट भी एलाइजर ऐसी है। इस स्ट्रिप में हम लोग एक सब्सट्रेट रखते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दू, कॉन्सेप्ट समझिए, लेट सपोज ये रहा सब्सट्रेट, सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में बदल जाए, किसमें बदल जाए? प्रोडक्ट में, तो कलर चेंज होगा, क्या चेंज होगा? लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा इस बात के लिए हमारे पास एक एंजाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंजाइम।
और एंजाइम जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा सर, सब्सट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो मान लो शुरुआत में एंजाइम जो तुमने लिया वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, और इस एंजाइम में हमने जोड़ रखी है पर्टिकुलर एंटीबॉडी। क्या जोड़ रखी है? एंटीबॉडी। क्या आप गड़बड़ गड़बड़ सर पढ़ा रहे हो? फिर से सुनो, एंजाइम में लिंक किया है इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, हमने एंटीबॉडी जोड़ रखी है। अब ये एंटीबॉडी किसी पर्टिकुलर वायरस, सॉरी किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए, किसके लिए? पर्टिकुलर वायरस के लिए। तो अगर हमने अपना ब्लड निकाला और ब्लड निकालने के बाद ब्लड की कुछ बूंदें डाली और उस कुछ बूंदों में बेटा एंटीजन है, क्या बेटा है? एंटीजन, यानी वो वायरस है, तो बताओ क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम एक्टिवेट की इनएक्टिवेट? एक्टिवेट। और एंजाइम एक्टिवेट तो सब्सट्रेट किसमें चेंज होगा? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो हमारी स्ट्रिप का कलर वही रहेगा कि बदल जाएगा? इसका मतलब कलर बदला तो एंजाइम एक्टिवेट हुआ, प्रोडक्ट बना है तो एंजाइम एक्टिवेट हुआ, एंजाइम एक्टिवेट हुआ है तो हमारी एंटीबॉडी को क्या मिल गया? एंटीजन। कहां से मिल गया? ब्लड से। तो बताओ उस ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं? प्रेजेंट। दूसरा तरीका भी कर सकते हो, अब की बार तुम एंजाइम में एंटीजन की एंटीबॉडी की बजाय एंटीजन जोड़ो। क्या जोड़ो? एंटीजन। और अब ब्लड डालो और उस ब्लड में अगर एंटीबॉडी हुई, क्या हुई? एंटीबॉडी। तब भी क्या बनेगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंजाइम एक्टिवेट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, कलर चेंज होगा। अब बताओ अगर बेटा एंटीबॉडी आपके ब्लड में है तो भले तुम एंटीजन नहीं ढूंढ पा रहे हो पर क्या आपकी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है? यस सर। इसका मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे किस कॉम्प्लेक्स पे काम करते हैं? एंटीजन। ओके, और इस तरीके से आपके अर्ली डायग्नोसिस खत्म होती है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज नोन एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के एनिमल्स। फिर से मैं बता दूं, दीज आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और एनिमल का मतलब इसमें प्रोटोजोआ नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के ही मेन मेंबर हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो बोलते हैं एनिमल्स दैट हैव दियर डीएनए मैनिपुलेटेड प्रोसेस एक्सप्रेस एंड द फॉरेन जीन, ऐसे एनिमल जिनके डीएनए में फॉरेन जीन हो इन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, या फिर इन्हीं को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। अच्छा खुद सोचो, जेनेटिकल मॉडिफाइड एनिमल बना कौन रहा? नेचर बना रही कि ह्यूमन? तो ह्यूमन बनाएगा तो ऐसे लोगों को मॉडिफाई करेगा जो उसके काम के हो, और उसके काम के लोग वही होंगे जो उसके जैसे होंगे। ह्यूमन बताइए फिश है कि मैमल? मैमल। तो याद रखना ज्यादातर बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कौन है? मैमल। हमें अपनी स्टडी करनी है, हम अपनी स्टडी करने के लिए अपने जैसे लोगों को ही बेटा बना रहे। अब देखिए ज्यादातर ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, ये सब कैसे हैं? मैमल। कभी कभी कुछ नॉन मैमल दैट इज फिश, यानी ज्यादातर बेटा मैमल ही हैं, कुछ लोग बेटा फिश में भी, फिश को भी ट्रांसजेनिक किए गए। बोलते हैं 90% जो एनिमल है, 95% जो है, मोर देन 90% जो है वो कौन है? माइस। माइस ही क्यों है? क्योंकि माइस एक छोटा मैमल है और एक ऐसा मैमल है जिसे लैब में पाला जा सकता है। कल को तुम बोल सकते हो सर मोर देन 95% जो है वो चूहे ही क्यों बनाए गए, हाथी क्यों नहीं? क्योंकि हाथी को लैब में पालना मुश्किल है, गाय को लैब में पालना मुश्किल है। तो जो जितना छोटा मैमल होगा उसको उतना ज्यादा अच्छी तरीके से पाल के उस पे बेटा प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक मैमल में से, सॉरी एनिमल में से 95% से ऊपर कौन है? माइस। और बोलते हैं ये क्या क्या काम कर रहे हैं? ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। पहला काम, अगर हमें अपनी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल डेवलपमेंट पढ़ना हो तो हम एनिमल में पढ़ सकते हैं। बताइए ह्यूमन में पढ़ेंगे एनिमल में? हम लोग हैं मैमल तो हम किस में पढ़ेंगे? किस में कि मैमल में? मैमल में। तो बोलते हैं ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं, जैसे कि हम लोगों ने बेटा एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का नॉर्मल डेवलपमेंट देखा। मैं पढ़ देता हूँ, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड।
जीन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है ये पता करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसजेनिकली कराए। इसके अलावा हाउ दे अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, ये भी पता लगाने के लिए उन्होंने हमारी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे किया है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है हमारी बॉडी में, ये पता करने के लिए हमने ह्यूमन में चेक किया कि ट्रांसजेनिकली में। बाकी स्टडी ऑफ डिसीज को भी पता लगाने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बता रहे हैं। हम एक ऐसी जीन काट देंगे जिससे तुम्हें एक डिसीज हो जाएगी। मान लो हमने फेनाइल कीटोन्यूरिया की एक जीन काटी जिससे फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना, तो हमें बताइए कौन सी बीमारी हो जाएगी, फेनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये फेनाइल कीटोन्यूरिया की डिसीज अगर हमें पढ़नी है तो ह्यूमन में पढ़ेंगे कि चूहे में, चूहे में। तो ये बोल रहे ऐसे बहुत सारे डिसीज मॉडल बनाए गए। देखो कैंसर का डिसीज मॉडल बनाया गया है, कैंसर को पढ़ने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर डिसीज, इन सब के लिए हमने ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए। ट्रांसजेनिक मॉडल मतलब मुर्दा मॉडल की जिंदा जिंदा, ये चूहों पे हमने बनाए। तो पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल डेवलपमेंट पढ़ने के लिए, दूसरा स्टडी ऑफ डिसीज को पढ़ने के लिए, तीसरा हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पाने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल केवल पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है, उनसे प्रोडक्ट भी पा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक ट्रांसजेनिक एनिमल से पाया है, That product is known as alpha-1 antitrypsin. ये alpha-1 antitrypsin नाम का एक एंजाइम है या फिर एक प्रोटीन है जो एम्फाइसेमा नाम की बीमारी को ठीक करता है। तो आप लोग याद रखिए, इससे क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। तो बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को हमने इसलिए बनाया ताकि उनसे हमें क्या मिल जाए, alpha-1 antitrypsin नाम का सब्सटेंस जो एम्फाइसेमा नाम की बीमारी को ठीक करता है। फिर उन्होंने एक और बात बताई कि बेटा ऐसा जैसा एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए किया गया, वैसे ही अटेम्प्ट फिनाइल कीटोन्यूरिया को भी ट्रीट करने के लिए और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल खाली एम्फाइसेमा नहीं, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ट्रीट करने के लिए बनाए गए। इसके अलावा उन्होंने बोला 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, हमने पहली बार काऊ को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, उसका नाम था रोजी। रोजी नाम की काऊ हमने बनाई है क्लोनिंग से कि बेटा ट्रांसजेनिक से, ट्रांसजेनिक नॉट द क्लोनिंग। क्लोनिंग में पूरा ऑर्गेनिज्म क्लोन कर देते हैं, ट्रांसजेनिक में हम उसकी एक तो जीन बदलते हैं। तो याद रखना ट्रांसजेनिक एनिमल पहली बार काऊ जो बनाई वो 1997 में बनाई, और उसके मिल्क में हम लोगों ने प्रोटीन बढ़ाया और उस प्रोटीन का नाम था अल्फा लैक्टोबुमिन। याद रखना कई बार बच्चे दोनों जगह अल्फा देख के घबरा जाते हैं, लैक्टोज नाम की सुगर से याद रखना, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, इट इज नोन एज अल्फा लैक्टोबुमिन और इट इज अल्फा एंटीट्रिप्सिन। और इस प्रोटीन का ग्रामेज 2.4 ग्राम पर लीटर है, यानी एक लीटर में 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टोबुमिन मिलती है और इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, बच्चों के लिए बड़ी न्यूट्रिशियस है। तो हमारे लिए काऊ थी, नाम था रोजी। कब बनाई हमने? इस तीन काम हो गए, पहला काम नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, दूसरा काम डिसीज पढ़ने के लिए, तीसरा काम प्रोडक्ट पाने के। प्रोडक्ट के बेटा तीन नाम है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन फॉर एम्फाइसेमा, इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी कुछ यूज किया गया, और 1997 में रोजी काऊ यूज की गई, बनाई गई, जो कि बेटा दूध उसके मिल्क में बेटा 2.4 ग्राम पर लीटर था। ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? अल्फा। और इसके बाद दो काम और है, वैक्सीन सेफ्टी। ये तो बहुत रिसेंट है, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन बनाई है। अब कोरोना वैक्सीन में हम लोग एटीन्यूएटेड कोरोना वायरस ही ले रहे हैं। अब कोरोना वायरस को हम लोगों ने लिया है और वो भी कमजोर कोरोना वायरस को। अब ये वैक्सीन जो है सीधे ह्यूमन में यूज करते और ह्यूमन को मान लो ये वैक्सीन बजाय अच्छा करने के और खराब कर देती, तो हम बोलते बताओ ये वैक्सीन सेफ है कि अनसेफ? अनसेफ। तो बोलते हैं वैक्सीन की सेफ्टी कर पता करने के लिए पहले जो भी वैक्सीन बनती है उस वैक्सीन को पहले चूहों में यूज करते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया गया था पोलियो वैक्सीन के लिए, किसके लिए? पोलियो। तो पोलियो वैक्सीन पहले किसे पिलाई गई थी? आदमी को भी, चूहे को। चूहे के बाद बंदरों को पिलाई गई थी। इफ सक्सेसफुल फाउंड लेवल दे कुड बी रिप्लेस यूज ऑफ मंकी,
तो पहले चूहों को वो वैक्सीन ट्राई की गई, फिर बंदरों में ट्राई की गई, दो ट्राई के बाद 3 क्लिनिकल ट्रायल हुए, ऐसे लोग जो मरने वाले थे उनको पहले पिलाई गई, और जब सारे के सारे ट्रायल ठीक हो गए तब हम लोगों ने इसे बाजार में उतारा। तो वैक्सीन सेफ्टी करने के लिए भी हम लोग ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं, और जैसे वैक्सीन की सेफ्टी करते हैं वैसे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। कैसे दुनिया भर कह सकती है कि निकोटीन अनसेफ है, तुम कैसे कह सकते हो कि टोबैको में जो निकोटीन है वो अनसेफ है, उससे कैंसर ही होता, हम नहीं मानते सर। तो हमने एक ऐसा चूहा बनाया जो निकोटीन ससेप्टिबल है, कैसा, तो वो निकोटीन ससेप्टिबल बनाने के लिए हमने उसकी जीन मॉडिफाई कर दी, अब उसे निकोटीन दिया, और अगर इस चूहे को कैंसर हो गया तो हम कहेंगे निकोटीन से कैंसर होता है। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को यूज कर सकते हैं पता लगाने के लिए। बताओ ये ह्यूमन में पता लगा है कि तो ट्रांसजेनिक एनिमल के 5 काम बताओ जल्दी बताओ। पहला काम नॉर्मल स्टडी एंड फ्यूचर, दूसरा अब आते हैं एथिकल यूज। याद रखना जब भी कोई काम करते हो आप, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, ये इश्यूज आ जाते हैं। ELSI फुल फॉर्म इज एथिकल लीगल सोशल इश्यूज। तो जब भी बायो टेक्नोलॉजी की जाने लगी तो उनके कुछ एथिकल लीगल सोशल इश्यूज पैदा होने लगे। बोले देखो बायो टेक्नोलॉजी में तुम क्या कर रहे हो, तुम भगवान की बनाई गई चीजों के साथ छेड़छाड़ कर। फिर से सुनना, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा समझ। जैसे हम कहें कि नेचर ने, हम भगवान को ना कहकर बोले, नेचर ने सारी स्पीसीज बनाई है, और नेचर ने सारी स्पीसीज को इक्विवेलेंट बनाया। नेचर ये मानती है कि इस दुनिया में जितना इंपॉर्टेंट ह्यूमन है उतना ही बैक्टीरिया, उतना ही हाथी है, उतना ही घोड़ा है, उतना ही मछली, सब लोग इक्विवेलेंट। लेकिन एक बदतमीज स्पीसीज जिसका नाम है ह्यूमन, उसको भगवान ने ब्रेन दे दिया, और ब्रेन थोड़ा ज्यादा ही दे दिया, अब इस वजह से इस ह्यूमन स्पीसीज ने बाकी स्पीसीज पे ऊपर डोमिनेशन दिया। ऑल्दो भगवान ने सबको बराबर बनाया, लेकिन एक बंदा ज्यादा चतुर निकला, इसलिए उसने दूसरों को कंट्रोल करना चालू किया। तो कहते हैं आप ह्यूमन स्पीसीज हो तो आप भी एक स्पीसीज, लेकिन आप बेटा माइस को खराब करने लगे, नेचर की बनाई हुई चीज को खराब करने लगे। यार ये तो ठीक बात नहीं है, ये मोरलिटी में ठीक बात नहीं। यही सोच लो इस दुनिया में एप्स या बंदर या फिर कोई दूसरी स्पीशीज ज्यादा पावरफुल होती, और आप पर ये दिखता कि आपके बच्चे को छीन लिया जाता और आपके बच्चे पे प्रयोग किए जाते, तो आपको कैसा लगता। अब जब अपने बच्चे पे आती, अपने माँ बाप पे आती, तो आपको खराब लगता। तो बोलते हैं कि यार ये तो एथिकली खराब है। और दूसरा, आपने जिस चूहे को मॉडिफाई कर दिया, जीएमओ कर दिया, अब ये नॉर्मल जिंदगी तो गुजार ही नहीं सकता, इसको तो मरना ही पड़ेगा। बोले क्यों, क्योंकि इसको तुम लैब में रखोगे नहीं, प्रयोग के बाद इसे छोड़ोगे, और प्रयोग के बाद अगर तुमने इसे नेचुरल इकोसिस्टम में छोड़ा तो भैया रिजल्ट बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। कैसे अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये माइस बाकी चूहों से अलग होगा, हर बात में अलग होगा, और या तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा तो बाकी चूहों को मारने लगेगा, और या तो ये इतना कमजोर हो जाएगा कि बाकी चूहे इसको मार गए। तो भैया इसके लिए तो इकोसिस्टम बेकार गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं कि हर जानवर की आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ना करो तो अच्छा है, और इसलिए इंडिया में एक कमेटी बनाई गई, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, और ये कमेटी अप्रूव करती है कि किसे आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है और किसे मॉडिफाई नहीं करना, और ये बताती है कि भैया किसको वैलिड करना है और कौन सेफ है, यानी बायोटेक्नोलॉजी की वैलिडिटी और सेफ्टी इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कोई भी ह्यूमन की जीएसी जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये अप्रूव करेगी तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करने देगी, और नहीं अप्रूव करेगी तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर नहीं पाएंगे। क्योंकि बेटा इस एथिकल की वजह से हमने लॉ बना दिए, कानून बना दिए, और उस कानून के हिसाब से हर जानवर का आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। कल को आपको मन कर रहा कि सर एक जेनेटिकली मॉडिफाई हाथी बनाना चाहते हैं, आप बनाएंगे और बिना जीएससी से पूछे बनाएंगे, आपको क्रिमिनल केसेस लगेंगे, आप जेल जाएंगे।
तो जी ऐसे डिसाइड करेगी कि क्या वैलिड है और क्या सही है। ओके, इसके बाद बोलते हैं एथिकल इशू के साथ एक लीगल इशू भी आता है। लीगल इशू क्या होता है? बोलते हैं जो नेचर बनाती है, याद रखिएगा नेचर बनाती है, वो उसका वो स्पीसीज का तो बेटा मालिक खुदा ही है, क्योंकि वो तो ईश्वरी के द्वारा ही बेटा कंट्रोल है। लेकिन अगर किसी भी स्पीसीज को मॉडिफाई कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, जीएमओ कर दिया गया, तो हम मानते हैं कि ये स्पीसीज, व्हाटएवर द स्पीसीज दैट इज मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन बीइंग, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने बनाया है। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कानून मानता है कि नेचर ने बनाया नेचुरल था, लेकिन हमने उसे मॉडिफाई कर दिया, तो अब हमने उसे मॉडिफाई कर दिया तो वो नेचुरल नहीं बचा, आर्टिफिशियल हो गया और वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। और जब कभी प्रोडक्ट किसी बंदे की अथॉरिटी में चला जाए, यानी किसी की बकौती में चला जाए, तो लोग उस प्रोडक्ट का पेटेंट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? ये कानून है, विश्व भर के कानून है। तो बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग की एक और बड़ी समस्या है कि इन सबको पेटेंट कराया जा सकता है। यार सर जी, अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफाई चूहा बना दिया तो अब आप उस चूहे का पेटेंट करा सकते हैं, ये चूहा मेरा है, अब इसको कोई यूज करे तो मुझे पैसा दे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज का पेटेंट कराया जा सकता है। और बोलते हैं इस पेटेंट का बड़ा मिसयूज होता है। बोले क्या मिसयूज होता है? बोले इसका एक मिसयूज ये है कि हमारे बासमती राइस था हमारी इंडिया में, इंडिया में बोलते हैं 27 वैरायटी का तो केवल बासमती राइस है, 2000 वैरायटी का तो केवल चावल है, 2000 वैरायटीज, आई थिंक 2000 ही है, 2 लाख, आई एम सॉरी 2 लाख यू नो वैरायटीज का या 2 लाख स्ट्रेन का तो हमारे पास राइस है, और उन 2 लाख स्पीसीज में 27 तरीके का बासमती राइस है। और बोलते हैं इसका अगर प्रूफ मांगो तो हमारे वेदास हैं। बोले वेदास में मंत्र है जिनमें चावलों का के बारे में बोला गया। बोले कहां मंत्र है सुनाओ? बोले ये वेदास पढ़ाए गए हैं 1000-2000 साल पहले, लिखे गए हैं, उसके पहले भी लिखे गए होंगे, पता नहीं कितने साल पहले, तब से हमारे पास चावल का उल्लेख है। अक्षतम पुष्पम समर्पयामि, व्हाट इज अक्षतम? दैट इज चावल। तो बोलते चावल तो हमारा तब से है, और इस चावल बासमती राइस को अमेरिका ने पेटेंट कराया। कैसे अमेरिका ने पेटेंट कराया? बोलते हैं उन्होंने एक न्यू वैरायटी नाम का एक चावल बनाया बायोटेक्नोलॉजी से। इस न्यू वैरायटी चावल को उन्होंने बासमती राइस ऑफ इंडियन वैरायटी के साथ क्रॉस कर दिया, और क्रॉस करने के बाद एक हाइब्रिड बनाया, और बोले इस हाइब्रिड में सारी क्वालिटी इंडियन बासमती राइस की थी, ऑल द क्वालिटी ऑफ इंडियन बासमती राइस हैज बीन इन दिस हाइब्रिड, और बोला ये हाइब्रिड हमारा है। बोले न्यू वैरायटी को बासमती राइस के साथ ट्रीट करके हाइब्रिड बनाया, और उन्होंने इस बासमती राइस को बेटा पेटेंट करा लिया, और पेटेंट करा करके हमसे हमारा चावल छीन लिया, चोरी कर लिया, और अब हम अपना चावल यूज करें, और अमेरिका कंपनी हमसे कह नहीं वो तुम्हारा चावल नहीं, वो अमेरिका की कंपनी का चावल, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। अच्छा, वो चावल जो हम खेतों में उगा रहे थे वो अचानक अमेरिका की कंपनी का कैसे हो गया? बोले भैया अमेरिका की कंपनी ने USPTO नाम की संस्था से, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इस संस्था से उस चावल का अधिकृत अधिकार ले लिया है, इसका पेटेंट करा लिया है। और उनकी नजर तो इतनी खतरनाक थी कि वो हमारी हल्दी पर, टर्मरिक पर नजर रखे थे, और वो हमारी नीम पर भी नजर रखे थे, यानी एक दिन वो हमारी नीम और हल्दी को भी पेटेंट करा लेते। और इससे पहले इंडिया जाग गया, और इंडिया ने इंडियन पेटेंट बिल बना दिया। कौन सा बिल? इंडियन पेटेंट बिल। और उन इंडियन पेटेंट बिल के द्वारा उसने अपने सारे प्रोडक्ट को पेटेंट कराना चालू कर दिया। और बोला गया इंडियन पेटेंट बिल में कई सुधार हुए, सेकंड अमेंडमेंट तो अभी हुआ है, अभी कुछ दिन पहले हुआ अमेंडमेंट जो हुआ है वो अभी हुआ है। ध्यान से देखो, ये बातें कुछ लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। ये रहा इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट इन इंडियन पेटेंट बिल, और हम लोगों ने अपनी चीजों को पेटेंट कराना चालू कर दिया। चालू रबड़ हो गया? नहीं, हाँ, इसे ही चालू रबड़ जाता ना। ओके, इंडियन पेटेंट बिल।
बोलते हैं इससे हमारी बायोपायरेसी बचने लगी। क्या बचने लगी? बायोपायरेसी। कोई बोलेगा व्हाट इज बायोपायरेसी? पायरेसी का मतलब चोरी और बायो मतलब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल पदार्थों का बेटा चोरी, इट इज नोन एज बायोपायरेसी। बड़ी बढ़िया डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेना। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। हमारे बायो रिसोर्सेज को कोई यूज करे, बाय मल्टीनेशनल कंपनी। कौन यूज करे? मल्टीनेशनल कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, फ्रॉम द कंट्री, किससे? कंट्री से। यानी हमारा चावल हमसे बिना पूछे अगर कोई यूज करे तो बताओ वो चोरी हुई? यस। एंड द पीपल कंसर्न, वहां के पीपल के बिना पूछे या फिर कंपेंसेटरी पेमेंट दिए बिना, या फिर हमारा चावल यूज करना चाहते तो हमें उसका पेमेंट करो तो यूज करो, या तो हमसे पूछो तो यूज करो, हमसे कंसेंट लो तो यूज करो। अगर तुमने हमसे कंसेंट नहीं ली, हमारे लोगों से नहीं पूछा और हमें पेमेंट नहीं किया और फिर भी तुम हमारा चावल यूज कर रहे हो तो ये क्या हुई? बायोपायरेसी। लेकिन अमेरिका इस बायोपायरेसी से बहुत चालाकी से बचा, क्योंकि तो उसने कहा हम तुमसे काहे पूछें, क्योंकि तो चावल तो तुम्हारा है ही नहीं, चावल तो यूएसपीटीओ द्वारा हमने अपने नाम करा दिया है, तो बताओ चोरी की चोरी और ऊपर की सीना चोरी। बताओ अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो हमारी नींद भी और हमारी हेल्दी भी ये अमेरिकन लोग ले जाते। तो अब आप देखें ये बायोपायरेसी क्या है और कैसे चलेगी। सो दिस वाज योर चैप्टर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। और इकोलॉजी के लिए हम लोग क्लासेस चालू करेंगे, सो मे बी इकोलॉजी, वैसे तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं इकोलॉजी के भी वन शॉट वीडियोस डाल दूंगा, जैसा होगा बताइएगा आप लोग। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।